that might be. ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज हमने एक शौर्य बेदारी प्रोग्राम हुकूमतों रियासती हुकूमतों मरकजी हुकूमत के नालेज में लाने के लिए आज का एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर हमने एज ए चीफ गेस्ट एक्स वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अली जनाब एम ए वहीद साहब को यहाँ मधु किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से खैरमकदम करता हूँ। उसी के साथ साथ गैलेक्सी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन अली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं परवीन पांड्या साहब जो जैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं हमारा साथ देने के लिए उन्होंने भी अपनी जो है अनुमति दी है। मैं उनका एज ए स्पेशल इंक्वायरी उनका भी दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करता हूँ। उसी के साथ साथ प्रोफेसर हलीम साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से जो है उनका खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने खवातीन व हजरात और जितने डिग्नेटरीज यहाँ पर तशरीफ लाए मैं उनको फर्दन फर्दन दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से और सैयद शमशाद सादिर की जानिब से आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कीमात का अनाउंसमेंट होता है उसके लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत से चाहे वो मरकजी हुकूमत हो फिर या वो चाहे रियासती हुकूमत हो ऐलान तो करोड़ों लाखों करोड़ों का ऐलान होता है हम हमेशा मगर उस पर अमलावरी नहीं होती। असल आज की इस हमारी मीटिंग का अहम मकसद ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जितने स्कीमात माइनॉरिटी वेलफेयर माइनॉरिटीज जो ऑफ इंडिया जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो स्कीमात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती हैं होना तो ये चाहिए कि जो वादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जानिब से किया जाता है फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी के जानिब से हो या फिर चंद्रशेखर राव की जानिब से हो या हिंदुस्तान के तमाम जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जानिब से इस बात का जो है ऐलान किया जाता है कि नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के लिए ये फला फला स्कीम जो है हम अनाउंस किए हैं करोड़ों रुपया उसके लिए मुख्तस किया जाता है। मगर मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है कि अनाउंसमेंट के हद तक ही ये बात रह जाती है। ये जितने वादे होते हैं वादा जैसा कि गाना है ना वादा तेरा वादा तो वादे पे वादे चलते रहते मगर कभी भी उस पर मुकम्मल अमलावरी नहीं होती। मैं इस स्टेज से खसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर राव और तमाम हिंदुस्तान के जितने स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जितने कर्ता धर्ता हैं मैं उनसे इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटके हमको किसी किस्म की कोई और मुराद देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से आपने मुराद दिए जिस तरीके से आपने सहूलतें पहुँचाने का जो आपने वादा किया है हम इस स्टेज से इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी से चंद्रशेखर राव से और तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टरों से कि आप वाकई अगर आप माइनॉरिटीज़ से हमदर्दी रखते हैं आप माइनॉरिटीज़ की फलाही बहबूद चाहते हैं माइनॉरिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाना चाहते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो मैं तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ साथ नरेंद्र मोदी साहब से भी इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि जो भी स्कीमात अब तक जो हो गया आप भी माफ़ हम भी माफ़ मगर अब आने वाले दिनों में कम से कम इस बात का तो आप ख्याल रखिए कि आने वाले इलेक्शन में आपको इलेक्शन का मुकाबला करना है हमारे वोटों की ज़रूरत है तो आप ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिएगा कि जब भी आप जो स्कीमात का अनाउंसमेंट करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए खसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए उसमें स्कॉलरशिप का मामला है वो खुद रोज़गार स्कीम का मामला है स्किल डेवलपमेंट का मामला है ऐसे हज़ारों स्कीमात हैं पेपर पे ज़रूर आता है मगर इम्प्लीमेंटेशन उस पर नज़र रहता है। मैं खसूसी तौर पर पुरजोर यहाँ से मुतालबा करना चाहूँगा जनाब नरेंद्र मोदी साहब चंद्रशेखर राव साहब और तमाम मुतालिका अहदेदार जो माइनॉरिटीज़ के बारे में दिल में हमदर्दी रखते हैं। अभी दो दिन पहले हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने एक बयान दिया बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हिसाब जो है बड़ा ख़राब है वो हर 15 दिन के बाद जब इलेक्शन करीब आता या जब मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत पड़ती है या माइनॉरिटी के वोटों की जब ज़रूरत पड़ती तो एक एक बयान ऐसा छोड़ देता है मुझे बड़ी तो तकलीफ़ हुई कि अरे जनाब अली आप 2007 से आप चीफ मिनिस्टर हैं
2007 से आज तक जो है माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में आप आज जो है उनकी मियाद खत्म हो गया, आज एक साल के करीब हो गया, ना वहाँ पर चेयरमैन है, ना वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना वहाँ पर जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आर्य जनाब खमरुद्दीन साहब का भी मियाद खत्म हो चुकी है, मगर किसी किस्म के कोई दिलचस्पी हुकूमत के जानिब से नहीं दी गई। मगर बड़ी खुशी की बात है कि चंद्रशेखर राव साहब का जब मैं बयान देखा कि भाई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अगर वाकई चंद्रशेखर राव साहब आपको तकलीफ हुई है, अगर आप माइनॉरिटी की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, तो जिस तकलीफ का एहसास आप 3 दिन पहले सियासत पेपर में दिया या और दूसरे पेपर में दिया, तो अगर वाकई आप सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपना अविलीन फरीजा है कि सबसे पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हाल यतीम खाने से बदतर बना के रख दिया आपने। मैं उनसे खुसूसी तौर पर इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऑफिसर्स आप क्यों जो है माइनॉरिटीज़ कमीशन की जो हालत इजहार है, चीफ मिनिस्टर तक ये हालत इजहार क्यों नहीं पहुँची, क्यों हुकूमत तक इसकी बात नहीं पहुँची। अहमद नदीम साहब यहाँ के सेक्रेटरी हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुँचाया जाए कि जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हाल जो है बिल्कुल ही इस तरीके से बना के रख दिया है कि कोई वहाँ झाड़ू देने वाला भी बराबर नहीं है, दो लोग काम करते हैं, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन में बराबर स्टाफ है, एससी कॉरपोरेशन में बराबर स्टाफ है, बीसी कॉरपोरेशन में बराबर स्टाफ है, फिर ये सौतेलाना सलूक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन साथ क्यों। मैं चंद्रशेखर राव साहब से यह सवाल करना चाहता हूँ और चंद्रशेखर राव साहब का इसका जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जमहूरियत में रहने के नाते एक हिंदुस्तानी होने के नाते पहले शमशाद खादरी हिंदुस्तानी है, तमाम एसोसिएशन के लोग हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मगर होना ये चाहिए चंद्रशेखर राव साहब जिस हमदर्दी का इजहार आपने किया, जिस तरीके से अपने आप को जो है आपने अखबार में जो है अपने दुख का इजहार किया, अगर वाकई आप चाहते हैं कि जमहूरियत की बहाली हो, मुसलमानों में एतमाद बहाल हो, माइनॉरिटी में एतमाद बहाल हो, तो आपकी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ते हुए सबसे पहले फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो भी जितने मखलूआ ज्यादा थे उनको पूर कीजिए, उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन की जो है चेयरमैन का पोस्ट जो है फिलअप कीजिए, उसी के साथ साथ हजारों स्कीमात हैं, मुझे सुन के बड़ी हैरत होती है, 1,59,905 एप्लीकेशन 1,00,000 से 10,00,000 के लिए जो है सैंक्शन के लिए लिए गए 2015-16, और आज तक मैं बड़ी बड़ी शर्म के साथ ये बात चंद्रशेखर राव साहब के नागन जनाना चाह रहा हूँ कि क्या वजह थी कि आपने बजट सैंक्शन नहीं किया और उन लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन नहीं किया। कभी कभार हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी 2 गाड़ियाँ तकसीम कर दिए, 300 गाड़ियाँ तकसीम कर दिए, फिर आप आज तक हैरत की बात यह है कि 2020-21 का अनाउंसमेंट के असेंबली में आज तक जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को बजट मुख्तस नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है चंद्रशेखर राव साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप एक सेकुलर जहन रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, आप हमेशा मुसलमानों की जो है बात करते हैं, हमेशा आप हुजूर निज़ाम को अपना सरकारताज, हुजूर निज़ाम के तर्ज हुकूमत हुकूमत चलाने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हुजूर निज़ाम की हुकूमत में इसी तरीके से हुआ था, इसी तरीके से नाइंसाफियाँ हुई थी। मैं चंद्रशेखर राव साहब अब भी वक्त से समझ जाइए, आने वाले बड़े बड़े इलेक्शन हैं, आने वाला 213 का इलेक्शन भी है, जो लोग 2023 का जो लोग आपको तख्त पे बिठाएंगे वो लोग आपको तख्त पे भी लाना जानते हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसी तौर से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा, वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल ठप होकर रह गई, ना कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ना मेहंदी डिजाइनिंग का ट्रेनिंग है, ना ब्यूटिशियन ट्रेनिंग है, ना किसी किस्म की ट्रेनिंग है। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से प्रीवियस में जिस तरीके से जो इस्कीमात पे अमलावरी होती थी उसको अमलावरी करने के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ अपनी नज़र इनायत कीजिए, ताकि जो मुसलमान माइनॉरिटी से आपके तरफ एक आज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके हुकूमत की भी नेकनामी होगी। मगर मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से 3 दिन पहले आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए 15-20 कॉलम का, मुझे बड़ी तकलीफ हुई फाइनेंस कॉरपोरेशन का आज तक मुझे नहीं मिला। हैरत इस बात की है कि आप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, आपको जो है आपके महकमे में काम करने वालों की कारकर्दगी का एहसास नहीं है या आपको मालूम नहीं है, तो मैं अब इस किससे सवाल करूँ चीफ मिनिस्टर से, क्या तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का सवाल नरेंद्र मोदी से करूँ। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से खसूसी तौर पर इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि आपकी मरतबा जो आप बजट अनाउंसमेंट करेंगे, हम ये चाहते हैं कि आबादी के लिहाज से, माइनॉरिटी के आबादी के लिहाज से अगर आप बजट सैंक्शन करते हुए उसको 100% अगर खर्च करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में
आपकी भी नेक नामी होगी, वरना आप ये समझ लीजिए कि आने वाला इलेक्शन बहुत बड़े इलेक्शन है, हर चीज़ है, आप हर चीज़ के लिए तवज्जो देते हैं, मेहनत, हर फाइनेंस कॉरपोरेशन में सारा स्टाफ है, सिर्फ माइनॉरिटी जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन हाल इतना बुरा करके रख दिए। इससे पहले आली जनाब वही साहब ने वहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में कारकर्दगी की, उनकी अपनी जितनी कोशिश थी उन्होंने की, मगर होता ये है कि अगर शमशाद खाजे के जिम में 5 रुपये है तो उसमें से 4 रुपये खर्च करने की सोचता, जब वही साहब के हाथ में जो है 10 रुपये नहीं आएंगे, उन्हें 20 रुपये कहाँ से खर्च करेंगे। तो इन सब बातों को सोचते हुए फिर एक मरतबा मैं पुरजोर यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, माइनॉरिटीज़ के हमदर्द कहते हैं, मुसलमानों के हमदर्द कहते हैं, आपकी सबसे अवलिन जिम्मेदारी ये होगी कि आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आबादी के लिहाज से बजट सेंक्शन कीजिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जितनी मखलूआत ज़्यादा दें उनको पूर्ण कीजिए। और एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा, अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब जब आपने कुर्सी संभाली थी तो एक बात आपने ये कही थी कि जितने भी वक्त की जायदादें हैं, जितने भी इनक्लोजर्स हैं, जितने भी गाजबाना कब्जे हुए हैं उनको मैं हासिल करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो है मैं उसके लिए काम करूंगा, तमाम जायदादों को मैं हासिल करूंगा, मगर 7 साल का अरसा गुजर चुका है, आज तक उसके ऊपर कोई अमलावरी नहीं। चंद्रशेखर साहब बातें भी कीजिए, काम भी कीजिए, वादे भी कीजिए, वादे पूरे कीजिए, ताकि सामने वाला भी समझ सके कि वाकई चंद्रशेखर राव साहब कुछ काम करने वाले हैं, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वेलकम, मैं तमाम जितने हजरात यहाँ पर बैठे हैं, हमको और वही साहब को सुनना है, जैन साहब को सुनना है, आपके हुसामुद्दीन साहब को सुनना है, प्रोफेसर साहब यहाँ हैं, और हमारे आपके हमारे जनरल सेक्रेटरी हरदिल अजीज, जनरल सेक्रेटरी अली जनाब रंजीत सिंह साहब को भी सुनना है। जितने हजरात आए हैं, हमारा असल मकसद यहाँ बुलाने का, यहाँ पर जो है चुनिंदा डिग्निटरीज को हम बुला के इस वास्ते बुलाए कि ज़्यादा मजमा 10,000 का मजमा बुला के हम जो है हमारी एसोसिएशन चला सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, मगर ये हमारा असल मकसद यहाँ पर जो बुलाने का है आप लोगों को, यहाँ सब साहिब समझें और सबके दिल में मिल्लत और कौम का जज्बा रखते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरी ख़ास तौर से यहाँ जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि मैं जो जो बातें आपके सामने रखा, ये एक शमशाद खाजरी के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी वहीद साहब की भी है, ये जिम्मेदारी परवीन साहब की भी है, जिम्मेदारी उसामुद्दीन साहब की है, प्रोफेसर साहब की है, रणवीर सिंह साहब और अमरजीत सिंह साहब की है, और तमाम हजरात जो साहिब समझ यहाँ बैठे हैं, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि शमशाद खाजरी के साथ साथ इन तमाम हजरात का साथ दीजिए ताकि मिल्लत और कौम का फ़ायदा हो, क्योंकि मिल्लत के साथ साथ हम जो है कौमी धारा में शामिल रहते हुए इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो जो मुराद हमको दी गई हैं उन मुराद को हासिल करने के लिए हमारा हक है, हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको हमारी जान की बाजी भी क्यों ना लगाना पड़े। फिर एक मरतबा मैं आप तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसलिए पहले अपनी तहरीर कर दिया कि कुछ मीडिया वालों को दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए मैंने अपने जो चंद ख्याल का इजहार किया, इसके बाद तमाम तकरीर होने के बाद जो भी होगा उसके बाद मैं आपके सामने और बयान करूँगा। बहुत से स्कीम हैं जिसमें जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, उसके लिए हमारी जुवेरिया हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी आपको मुखातिब करेंगे। फिर एक मरतबा अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से, क्योंकि हम तनसीब बराए तनसीब नहीं करते, तनसीब बराए इसरा के लिए हम काम करते हैं। चंद्रशेखर राव साहब हो या फिर सलीम साहब हो या नरेंद्र मोदी हो, स्टेज से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम हिंदुस्तानी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमको इस बात का हक दिया गया है कि आपको जो है जो मुराद है हासिल करना है, तो उसी के तहत जो है वी आर आस्किंग फॉर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटीज, नॉट अबव नॉट बिलो। हमको जो है ना उससे आगे मांगना है ना उससे कुछ कम मांगना है, जो मुराद आप कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जिस तरीके से आज कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, नरेंद्र मोदी साहब आप भी समझ जाइए, चंद्रशेखर राव साहब आप भी समझ जाइए, जो इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उसी के तहत हम मांगना आपसे चाह रहे हैं। बैर का फिर एक मरतबा आप तमाम हाजरीन का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि चंद्रशेखर राव साहब तक हमारी बात पहुंचे, नरेंद्र मोदी तक हमारी बात पहुंचे, ताकि जो है आज जो महंगाई कमर तोड़ महंगाई की वजह से आज जो लोग परेशान हाल हैं, COVID-19 की वजह से जो लोग परेशान हाल हैं, खसूसी तौर पर एक दो बात कहते हुए अपनी तस्वीर ख़त्म करूँगा। जो तेल आज से 6 महीने पहले 540 रुपये में था, आज 1200 रुपये हो गया। जो पेट्रोल 26 रुपये में देने का वादा कर रहे थे जुमलेबाज, जो 36 रुपये देने का वादा कर रहे थे 103 रुपये सेंचुरी पार कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों या जितने लोग हों, ये अब थोड़ी बहुत आपको अपने ख़्वाब ग़फ़लत से जागते हुए
हमको हुकूमत के सामने जो हमारे मुतालबात पेश करना है, उनकी उनकी नज़रों तक ये बात जाना ज़रूरी है। वरना होगा ये कि आज तेल 1200 रुपये का, कल 1500 हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये हुआ, आप ऐसे खामोश बैठते रहेंगे तो जो है बड़े घरानों के जो है जेब भरते रहेंगे, गरीब गरीब से गरीब होते जाएगा। आज टीचरों का हाल ये है कि स्कूल के स्कूल बंद होने के बाद उनका फीस की वसूली नहीं है, कोई तरकारी बेचने पर मजबूर है, कोई सड़क पर झाड़ू देने के लिए मजबूर है। तो चंद्र शेखर साहब सोचिए, जब आवाम की भलाई के लिए हम आपको वोट देते हैं, 5 साल तक वोट हमारा पीछा करता है, तो यहाँ जितने असराफ खवातीन मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, वोट की कीमत हमारी 300 रुपये नहीं है, वोट की बहुत बड़ी कीमत है। ये एक वोट हमारा 5 साल तक हमारा पीछा करता रहेगा, तो आने वाले इलेक्शन में भी आप हमको तमको ये बात सोचना है कि हमारा वोट किसको जाए, कौन हमारे लिए जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, किसके ज़रिए से हमारे को जो है फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए यहाँ से जाने के बाद हमेशा हमारी एसोसिएशन प्रैक्टिकली वी आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। मैं यहाँ से जाने के बाद हमेशा आमतौर पर मीटिंग में होता है या कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, मगर शमशाद खादरी और हमारे जितने एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं है, रात दिन 24 घंटे आपकी फलाह वैभव के लिए, आपकी खिदमत के लिए हमने अपने आप को वक्फ कर दिया है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा तो आने वाले दिनों में यकीनन इससे बड़े पैमाने पर काम करेंगे। बड़े बड़े हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं फिर एक मरतबा उनकी दिल के गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी तशरीफ खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। हम सब एक फिक्र के साथ हम सब जमा हुए हैं, हम सब एक ही बैनर के तहत हम लोग बात करना चाह रहे हैं। हर एक के दिल में कुछ ना कुछ कैफियत है, मिजाज है, कुछ आपने ख्याल जाहिर करने का, कुछ अमल करने का, कुछ सोच और फिक्र का, लेकिन हम सब जो है एक बैनर के तहत अगर हम काम करेंगे तो बेहतर है, और एक ही आवाज़ से हुकूमत तक बात पहुँचा सकें तो आसानी होगी। जैसा कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो 15 साल से सीरियसली एक ही मौजू पे एक ही इकदाम के साथ कि माइनॉरिटी का कैसा फला और बहबूद हो सकती है, उसी अंदाज में काम हो रहा है। और हम सब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ पे सब लोग, हम लोग फिक्रमंद हैं कि आइंदा साल, आइंदा मौके कैसे रहेंगे, हम किस तरीके से हम हैंडल कर सकेंगे। और हम सब फिक्रमंद हैं, हम लोग एकजुट होना चाह रहे हैं। और भी कुछ लोग जो नहीं आए हैं, आज यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और उन लोगों की भी फिक्र है, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमको और भी लोगों को जोड़ना है, और भी लोगों के साथ चलना है। ये सिर्फ स्टेट लेवल पे बात नहीं रही, अब ये नेशनल लेवल पे बात हो चुकी है। हर एक मौजू पे बात होना है। माइक्रो फाइनेंस है, एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, और ये 1.5 साल से जो पैंडमिक चल रहा है इससे हर कोई मुतासर है। हम सब यहाँ जो मौजूद हैं, हर कोई जो है अपने अपने लेवल पे फिक्रमंद है, खौफजदा है, और हर कोई अपने अपने तौर पे जो है सब कोशिशें कर रहा है, अपनी जद्दोजहद कर रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ बेहतर हो, कुछ ना कुछ सभी के लिए सहूलत हो। तो हम सबको फिक्र करना चाहिए, हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। जी, मैं in foreign countries, Middle East, Far East in Europe. So I spend my time in the teaching field. So last time we have discussed about Urdu, the development of the Urdu, how the schools are getting closed. We have to request the government to reopen the schools, and we have to bring back to the justice. So it doesn't mean that we are ignoring and downplaying the importance of the English. Our aim is to improve the English. For the need of English, we have to know that the need is Urdu. Last time also we have discussed, and Mr. Khadri Sahib has told me that next time you will get a chance to have detailed discussions. So this is not the end of our efforts which we are making. We have to continue. These are the manifestations we have to give to our dreams, the devilish manifestations. And our decisions are not fabulous. Our decisions also, what we are making, we have to manifested within a short time. Our deep dreams we are seeing at the horizon. So here the dignitaries who are sitting here, and you are all learned people. Nobody is here common. You are all learned people. So we want your cooperation. How to implement these things? We have to implement. For implementation, we need a continuous effort. And the next time we are not going to put a full stop. What is it? Just we are, making a fabulous decisions and manifesting the fabulous manifestations. Not like that. We will continue our efforts.
and when these people are there devoted sincerely and honestly, so I don't think is there anything impossible in the life. So in the next we will try to discuss when we are going to arrange and how we are going to give the action plan to our programs. That is more important. Just for the off of what we are discussing, the this thing and how to implement, how to run campaign to re-establish the schools again, to reopen. समय बड़ी बात, आप अपना समय निकाल कर आज पधारे, उसके लिए मैं सभी प्रेस और सभी पधारे हुए सभी और मेरे मंच पे मेरे साथी सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं काम में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे बहुत कम बोलना आता है, पर यह कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो एक लगन से करता हूँ और मैं रिजल्ट पर ही भरोसा करता हूँ। और आज कोरोना काल जिस हिसाब से चल रहा है, फाइनेंशियली पोजिशन बहुत खराब हो चुकी है हर घर की, हिंदुस्तान की भी, बट हमें इस टाइम पे अगर हम लोग दिलचस्पी लेके अगर फंड नहीं दिलाएंगे, यही पैसा हमें यही टाइम पे काम आएगा, तो इसकी वैल्यू है। और हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं बट हमें सरकार कुछ नहीं दे रही। बट मैं सभी से यही उम्मीद करूँगा कि जैसा हमारे भाई साहब से मेरा परिचय हुआ है, शमशाद साहब से, कि आप जो बीड़ा उठाएगी उम्र में, मैं भगवान महावीर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी उम्र लंबी करें और आप हमारा पूरा काम सफल करें। सभी को स्टेज पर विराजमान और आए हुए सभी, मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं रणवीर सिंह, आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से जो हमारे शमशाद कादरी साहब जिस काम को लेकर चल रहे हैं, जब हम मिले इन्होंने हमें बताया, तभी से हम इनके साथ हो गए, क्योंकि इंसान को एक दूसरे इंसान का साथ कुछ काम करने के लिए अगर मिल रहा है तो ज़रूर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। सो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गए। तो आज जो ये मीटिंग यहाँ पर लगाई गई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को जो फ़ायदा या फंड देने का वायदा करते हैं, उसको थोड़े दिनों के बाद कोई भी गवर्नमेंट हो वो भूल जाती है। उसके बाद जब हम लोग कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करने जाते हैं, जो हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी की तरफ से जो भी वर्क आपसे करवाना चाह रहे हैं या आप जो फंड के लिए बोले हैं, उसका आप उस बात पर आप तवज्जो दें। धन्यवाद, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं जो है शमशाद सादी साहब का जो चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है ना मेरे पास प्रोफेसर वहीद साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं, और हमारे जो है प्रोफेसर साहब का बहुत मशहूर हूँ मैं, और हमारे प्रवीण पांड्या साहब और रवीर सिंह का जो मिलकर काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए, उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं उसके लिए शमशाद साहब का बहुत बहुत उनका ताउन रहा है। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इस पर पूरी टीम वर्क करना चाहिए, और मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे इनवाइट करने का, मीटिंग में बनाने का। शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह की जो मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है, नजरों पे सहारा लोगों की मदद करने के लिए। और आप सबसे तारुफ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई, और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ अंदर की जो मुझे इस लायक समझे कि आप सबके पीछे मुझे लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुतासिर हूँ अंकल से और आप सबके ख्याल से, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम हिंदुस्तान को ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के बना लेंगे, क्योंकि एक अपना मुल्क ऐसा है जो हिंदुस्तान जो है, आप वर्ल्ड के कोई से भी कोने में जाओ, यहाँ की बिरयानी का मज़ा कोई वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, राइट? सो
जितना मशहूर है इस हिंदुस्तान की बिरयानी उतनी मशहूर है इस हिंदुस्तान की शान भी। तो इंशाल्लाह हमारी मेहनत और शमशाद सर अंकल की जो कोशिश है हम सब मिलकर इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करेंगे सर को, सर के इरादों को इंशाल्लाह काम हम आवाम के लिए जितना हो सके कोशिश करेंगे कि सबके हक में बेहतर करने की और सबको हक के साथ उनके राइट्स दिलाने की। एक्चुअली मुझे बोलना ये चाहिए क्योंकि अभी मैं एक केस करके आई हूँ, तो मैं एक्चुअली ह्यूमन राइट्स से हूँ। सो सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट्स में बहुत डिफरेंस है, राइट? सो सोशल वर्कर तो खैर बहुत दो भी बहुत अहम काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स लोगों की हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि अपन अपनी फैमिली के तो हम पे बात करते हैं, लेकिन आगे जो मुस्लिम गरीब लोग हैं उनके लिए भी अपन आवाज़ उठा सकते हैं। आजकल कोविड की वजह से जो पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहे हैं, कई लोग ऑपरेशंस बल्कि जो कोविड में चले गए वो लोग वापस नहीं आए, डेड बॉडीज नहीं मिले उसके अंदर हॉस्पिटल्स में, जिसको पहचान है उसके बॉडीज मिल गए, जिसकी पहचान नहीं है आवाम की वो बॉडीज किधर है क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट बता दी कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोविड का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन क्या हर कोविड वाले क्या हर फैमिलीज को मिले? ठीक है, और क्या हर लड़की जो पढ़ना चाह रही है गवर्नमेंट से क्या उसको अब तक तो एक डिग्री मिली, क्या उसको कहीं का हक मिला? तो हम इंशाल्लाह जो अंकल की ख्वाहिश है, मुझे बहुत मैं अप्रिशिएट हूँ अंकल के वर्क से और अंकल की टीम से, अंकल के साथ हमेशा मैं जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह और बराबर उनके साथ दूंगी और हर कदम पे जहाँ पे भी औरत के जुल्म होगा वहाँ पे इंशाल्लाह मैं अपनी टीम के साथ हमेशा खड़ी रहने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। कंसल्टेंट इन द सेंस जॉब प्लेसमेंट करवाना, मैरिज कंसल्टेंट हो मैरिज करवाना और एजुकेशन कंसल्टेंट हो करियर गाइडेंस देना बच्चों को स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स्थ लेवल सिक्स्थ स्टैंडर्ड होने का ये स्कीम आगे लाने का मतलब ये था कि जो लोग पेंशनर पेंशन डिजर्व करते हैं जैसे कि विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, सिंगल मदर्स हैं, डिजेबल्ड हैं, ये लोगों के लिए ये पेंशन स्कीम आगे आई थी बनाई गई थी। तो ऐसे हमारे आपके आस पास कितने लोग हैं जो ये पेंशन, आपकी हमारी ऐसे सारे एनजीओस की हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है जहाँ कहीं भी आप एक बड़ा जो है कम्युनिटी, जहाँ कहीं भी आप एक कम्युनिटी देखते हैं, जहाँ कहीं भी आप एक बड़ी सी जो पॉश एरिया देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई स्लम जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे घर काम करने आता है, आंबा का जो हेड ऑफिस है राजेंद्र नगर पिलर नंबर 215 आईवी पैलेस के पास, यहाँ पर इसके फॉर्म्स दिए जाएंगे, आपको ट्रेन भी किया जाएगा। खास करके मेरे सारे फीमेल साथियों से गुजारिश है, किसी का स्कूल है, कोई मेडिकल स्टाफ में है, कोई ना कोई अपनी गांधी हॉस्पिटल उस्मानिया में जाके इलाज नहीं करवाना चाहता। जब ये कोविड का दौर चल रहा था, जब टॉसिलीज़ुमाब जैसे इंजेक्शन, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन ये फ्री में जो है आप लोगों को दिए जा रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमारी जो पब्लिक है आवाम है वो वहाँ से जो है फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे आसपास जो लोग हैं जो अफर्ड कर सकते हैं वो अलग बात है, जो अफर्ड नहीं कर सकते वो कर्ज़ों में चले जाना, वो जो है परेशान हो जाना, जो अपने पास अमाउंट है जो भी अपनी जो है संपत्ति है उसको जो है सेफ गार्ड करने के बजाय अपने पास जो है उसको भी खर्च कर देना और उस ऊपर से कर्जा ले लेना और उसमें जो है सो परेशान हो जाना। तो इस पर जो है हम इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर फीमेल्स है, मैं शायद लाइव भी हूँ अपने पेज पर लाइव हूँ, तो मेरे सुनने वाले ऑडियंस और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं स्पेशली फीमेल्स जो घरों में होम मेकर्स है, उनको कहीं बाहर जाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में आपके आज माइनॉरिटीज़ की काफ़ी बद से बदतर हालत है हिंदुस्तान में और तेलंगाना में। वजह इस बात की है कि हम माइनॉरिटीज़
की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है और हमारी रहनुमाई कहीं ना कहीं हमारी जो है ना नाकाम हो रही है। लिहाजा इस मौके पर आर एलिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है सैयद शमशाद कादरी साहब की सरपरस्ती में जो है ना इन कामों को अंजाम देने के लिए आगे आई है। लिहाजा और आवाम से भी ये गुजारिश है कि अपने अपने मसाइल इस माइनॉरिटी एसोसिएशन के पास अपने रख सकती है। अपने जो है हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जिस तरीके से माइनॉरिटीज से वादे किए थे कि जो है ना हम हुकूमत पे आने के बाद हमारी टीआरएस सरकार बनने के बाद हम वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट करेंगे और आज तक वो फैसला वैसा ही रह गया। लिहाजा उसके बाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को क़ायम किया गया और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को फंड्स तो दिया गया लेकिन उसके ऊपर कोई काम कारामद नहीं हो सका। लिहाजा अभी उस पर काम करने की शदीद ज़रूरत है और हुकूमत को माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि माइनॉरिटीज़ के मसाइल को हल किया जाए। इंशाअल्लाह हमारी एसोसिएशन बराबर फुल टाइम देते हुए काम करेगी और माइनॉरिटीज़ के तमाम हकूक अदा करके दिलाने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। And other guys from one of the members of the Christian community also supported this association. And abhi jaisa ki hamare prof sahab abhi bata rahe the ki education ke taur pe par government kafi sanjeev ji se bhi aur hamesha khali bol dena overly words karna ya vada kar dena vada khilaf karna ya abhi ab chal jaa rahi hai aage abhi se abhi sab log usha ho gaye abhi kitna media tez ho gaya hai whatsapp aa gaya groups aa gaye aur har community ke piche har aadmi ke piche सिख है सिख हमारे जिन है क्रिश्चियन है मुस्लिम है हर कंपनी के अच्छा भी सौ सौ हज़ारों लोग जमा होंगे। अब हम ये प्रोग्राम जो है हमेशा गवर्नमेंट को भी रियलाइज कारण देखेंगे कि भाई आप जो वादा किए उसको थोड़े सा भी कम चीज़ें तो छोटे छोटे कामों तो कर सकते हो वो तो करिए एटलीस्ट जो बड़े काम नहीं कर रहे हैं अगर छोटे काम कर सकते हैं वो तो काम कीजिए। जैसे कि अभी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कॉटेज के हैं आप 50,000 जो कमिट किए थे उनको मिल के दिया वो जो थोड़े लोग का जो है उसमें कई एक फैमिली के साथ साथ काफ़ी लोग इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं उसके अंदर पूरी फैमिली आ जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बातें बोल चुके हैं मैं इसके अंदर ज़्यादा क्या बोलूँ हमारे खादी साहब बोले वही साहब के और काफ़ी एक्सपीरियंस सामने आने वाले अभी इंशाल्लाह हमारे प्रेस के लोग भी जो है काफ़ी हद तक हमेशा ताउन करते रहते हैं और ये हुकूमत को आवाम को ये चीज़ें हमेशा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही रहता है कि भाई ये ध्यान में है कि ये कोशिश बिना कोई तक आ गया कुछ मैं भी इसीलिए इनके साथ एसोसिएट किया हूँ। आई एम एक्चुअली आई एम द बिजनेस मैन द बेकर आई वाज हैविंग माय बेकर दैट आई प्योर क्लैम्सी आई वाज दैट ऑल दी सॉफ्टवेयर कंपनीज अदर देन आई वाज हैविंग द सोडाक्स आल्सो बट अनफॉर्चुनेटली द टाइम इज नॉट गुड फॉर ऑल द बिजनेसमैन and now any of all this are going on sabke sath nahi bhi hu aisa kuch nahi jaisa jo yogi madam said that we good colony we having the some with the aur thoda sa backward kar dete hamare paas bhi piche bhi thode log hai achhi colony ke sath thode backward committee ke log bhi hai thode gareeb log bhi hai unka bhi dhyan dena chahiye aur jaisa sab colony log apne jo piche log ka bhi khayal kare ye cheeze hote karte hai sabhi nahi karte lekin bahut kam karte hai जितना करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है संदीप। अभी अब वक्त के कई मैटर्स हैं अभी हम जो है लास्ट टाइम जो है हमारे मस्जिद में जो है सादुद्दीन मस्जिद 130 ईयर्स का मस्जिद है उसमें जैसे 100 ईयर्स के उसके बावजूद तो उसमें रेस्पॉन्सिबल सेटलमेंट में लैंड दी गई लेकिन आज तक उसको जो है जामिया के शेफुल जामिया मुफ्ती अहमद साहब शेफुल अजीज साहब सादिक मुद्दीन साहब उसको संगे बुनियाद रखने के बाद में भी आज तक जैसे वो लोग हैंग करके रखे पेमेंट टू द प्रोफेसर सॉरी हम लोग जाके वहाँ पे इनके डीन से बात की उस से प्रोफेसर से बात की तमाम चीज़ें उनको बताए पूरे पेपर दिए पूरा तमाम चीज़ें सेटलमेंट से बताए फिर भी आज के काम मुकाबला है वो सब फौजी केसर मुतवली पर डाले करे कराए पर चाहे वो केसर से प्रेस पास के वो खत्म हुए
अब फाइनल लेखा अभी भी वैसे वो जो है काम पे वन इम्प्लीमेंट अभी भी वैसे स्टक पे हो तो सर्टन रीजन की वैसे अगर डिपार्टमेंट के भी मैटर्स है खैर मस्जिद का भी मैटर वैसी है तो सो मेनी इशूज आते हैं अभी कोसे कोसे इशूज को अब ऐसा है कि सी एम साहब भी सुनते हैं मे बी ही ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड कि भाई अब कितने इशूज है कि भाई आपकी जिम्मेदारी जैसे हमारे प्रोफेसर मिजन साहब बताते कि ये लोग भी हमें से ही है कि ये लोग भी जैसा कि हमें से है इनके भी काम पे इनके पास जिम्मेदारियाँ हैं और काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कम्युनिटी को लेकर चलना जब आपके पास इतनी ताकत थी उनकी सलाहियत थी तो आप यहाँ तक पहुँचे तब कामों को अंजाम दीजिए या जिम्मेदारी जब ली है तो निभा ही अगर नहीं लेते हैं तो खुद ही उठाए अपना खुद ही बोल लीजिए नहीं करते नहीं हो सकता नहीं कर सकते आप जब करे हैं लिए हैं जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं और निभाइए और अच्छे से निभाइए अब जो थोड़े मोटे तकलीफ है उसको दूर कीजिए अब कई पिक्चर्स भी आप लोग के तेलुगु पिक्चर्स में बताते हैं करते कराते जो है कई जगह हर जगह पर इंसाफ करने के आज तक में कोई थोड़े में तक इस बात से जस्ट बिकॉज आई नोटेड माय फेल माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर सिमर क्रेडिट कैंडिक्स मैं उससे थोड़ा नॉलेज थिएटर में करता था मैं इसीलिए जैसे कि महेश परमेश्वर ये त्यूली है जैसे प्रशांत सम अदर थिएटर माय फादर सेंड द फुटबॉल इन द थिएटर्स तो ही वाज अ कॉन्ट्रैक्टर आई नो दैट बिकॉज आई हैव सीन द मूवीज ऑल्सो सम टाइम प्रीवियसली नॉट हैव नॉट सीन नाउ लॉन्ग बैक आई यूज्ड टू सी द मूवीज ऑल्सो So, well, anyhow, what I mean to say, I've seen so many Telugu movies also. Our pictures mein kya batate hai, har hero, they used to justify, har garib ki madad karta hai, insaaf karta hai. Like, why you people show in the Telugu movies, we are doing the justice to poor and the all the community. Do it practically here, come out, all the film stars. What are you doing? I said, aapke paas taakat hai, aap koi bura maano, ya kuch maar liye dekho. I'm seeing that in the, right now, the last few years back, I'm seeing that in the judiciary also. In the police department also, in every department, everywhere, what the people take the oath? Why don't implement it? After oath, kya the? Tamam film stars, har picture mein kabhi maine nahi dekha ki koi industries ko support kiya. They fight for the terrorism. They fight for the. Aake hum kahin nahi. Abhi karke kaam vote lena hai apko abhi. This is my sincere advice to all the government officials, those who are working hard. And sincerely, they also very much, I'm not saying that everyone is not fair. There are some of them are too good. They are working hard and they are sincere in their work. And some departments, I would like to, don't want to blame them. And not that all of them, even though I'm keeping quiet, I had you before concluding that. जजाकल्लाह खैर फ्यू मैं थोड़ी सी वक्त में बात खत्म करना चाहता हूँ मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो कुछ मेरे घर पे आए मेहमान मैं अल्लाह का जो शुक्र अदा करता हूँ कि जो आप लोग अल्लाह ताला सेहत से कर अल्लाह माफ़ नहीं फ़ुदी अल्लाह अपने समझ अल्लाह अपनी बस ला इलाहा इल्लल्लाह मैं नहीं अदा करता हूँ बस फ़ज़ा बिल सभी ला इलाहा अलैकुम अस्सलाम कि किस तरीके से जो दहेज की लानत को ख़त्म किया जाए किस तरीके से जो है गरीब बच्चों की शादियां हों किस तरीके से जो है मुस्लिम माशरे में ना अलीम फल्की साहब का दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करता हूं आप तमाम उनकी तालियों के गूंज मेरे इस्तकबाल करते हैं अब मैं अली जनाब अलीम फल्की साहब से गुजारिश करूँगा कि घोड़े जोड़े की लानत और दहेज की लानत पर अपने ख्याल का अदा करें अली जनाब अलीम फल्की साहब जुड़े घोड़े पर तो यकीन बोलूँगा मैं लेकिन बहुत छोटा टॉपिक हो गया भाई ने जो टॉपिक छेड़ा है बे इंतहा अहम है क्या जस्टिस मैं सिर्फ जस्टिस पे बात करूँगा और आप लोग यकीनन जस्टिस ही के लिए जमा हुए हैं एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जो इनजस्टिस कर रही है जुडिशरी जो इनजस्टिस कर रही है बहुत लंबी दास्तान है तो मतलब ये है कि आप लोग जस्टिस के ख़िलाफ़ उठे हैं और बिलखसूस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर रिटायर्ड या फिर खरीब है रिटायरमेंट के आपकी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई है वो किस तरीके से आई मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा लेकिन ये पूरी कमाई सिर्फ एक दो बेटियों के चक्कर में पूरी ख़त्म हो जाती है और सबसे बड़ा औरत के साथ जुल्म होता है मेरी बहनें माफ़ करें बहुत जुल्म होता है आप लोगों का बहुत जुल्म होता है लेकिन आप लोग जो जुल्म करती हैं उस पर भी देखिए कभी एक लड़की की शादी के बाद उस घर का भाई आपका भाई टैक्सी चलाता है क्लर्की करता है शोरूम में सेल्समैन बनता है बिजनेस क्या बिजनेस है बिल्डर हैं अच्छा क्या बिल्डिंग करते हैं भाई वो हाफिज़ बाबा नगर में दो कमरे का मकान बनाते हैं रियल इस्टेट क्या रियल इस्टेट करते हैं आपको मालूम है ये जो जुल्म है हुकूमत जो कर रही है मिनिस्टर्स बीजेपी आरएसएस कांग्रेस जो भी कर रहे हैं वो तो बहुत बड़े स्केल पे है लेकिन बेसिकली इनजस्टिस इज इनजस्टिस करप्शन इज करप्शन उनके पास पावर है एंड दे आर यूजिंग द पावर दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पावर एवरीवन हैज राइट नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द पावर
चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, एवरी वन हैज ए टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द पावर। अब एक पावर आप लोगों के पास भी है, एक पावर जो हमारे पास है उस पावर का नाम ये है हम मर्द हैं। मुझे छोटा सा वाकया बयान करने दीजिए। मेरी जो पहली किताब प्रिंट हुई थी उसका टाइटल बड़ा ख़तरनाक था, उसमें बहुत लोग नाराज़ हुए तो मुझे टाइटल बदलना पड़ा। वो टाइटल था डॉरी और मेल प्रोस्टिट्यूशन। इसका वाकया ये था कि हमारे मोहल्ले में एक तरकारी बेचता था बंडी पे, उसकी शादी की कोई और तरकारी बेचने वाले की लड़की से तय हुई। मैं से कम से कम 25 साल पहले की बात करूँ तो ऐन शादी से एक दिन पहले उसने शर्त रख दी कि मुझे 2000 रुपये चाहिए रकम। अब वो 2000 रुपये कहाँ से लाएगा उस ज़माने में 25 साल पहले, तो बहुत परेशान था। तो मैं पर्सनली गया उसके पास, मैंने कहा 2000 रुपये मिल जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि मैं NRI तक अफोर्ड कर सकता था, मगर पहले तुम ये बताओ 2000 रुपये क्यों चाहिए तुमको, वाई? तूने कहा साहब डॉक्टर से करते तो उसको 10 लाख देते थे, नहीं देते थे, डॉक्टर मर्द है, मैं मर्द नहीं हूँ। तो बात बताइए चली, मर्द की कीमत है, मर्दानगी की कीमत है। तो कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, ये मर्दानगी की कीमत है। तो दोस्तों जब BJP RSS या कांग्रेस जो कर रही है, या आपके जो जो भी ऑफिसर्स हैं जुडिशरी है जज हैं वो इंजस्टिस कर रहे हैं, तो उनका पावर है वो। आप किस पावर को इस्तेमाल करके लड़की वालों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसको सोशल ब्लैकमेल कहते हैं। ये एक ऐसा सोशल ब्लैकमेल है कि मैं बेशुमार इंडिया के इलाके गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ, अमेरिका हर जगह घूमा हूँ, मुझे सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब बहुत खुददार डिग्निफाइड लोग मिले। किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि यस आई वांट जस्टिस, आई वांट डाउरी, आई लाइक डाउरी, किसी ने नहीं बोला। सब ये बोले कि डाउरी गलत है, पान के डब्बे वाला बोल रहा है डाउरी गलत है, बिल्कुल गलत है। और वो बंजर हिल्स में 10 करोड़ के घर में था, उन्हें भी बोला डाउरी गलत है। तो फिर आया कहाँ से? नहीं, खुशी से, खुशी से। मेरे भाइयों बहनों भी आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ चला रही हैं आप लोग, कभी पुलिस वाले ने पकड़ा होगा ना आपको, कितने में जान छूटी? 100 रुपये देने। अच्छा 100 रुपये खुशी से दिए या खुशी से दिए जी? मजबूरी में, मगर चेहरे में मुस्कुराहट थी या नहीं थी? दिल में क्या था? नहीं अफसोस नहीं था, और भी कुछ था, मैं दूसरे में अफसोस नहीं बोल सकता। खुशी से नहीं होता दोस्तों, ये मजबूरी, ये सोशल ब्लैकमेल है। बड़े बड़े मुतवे, बड़े बड़े आलिम दीन, जिनको पता है कि ये हराम है, हमारे पास हराम का लोग ऐसा समझिए जैसे कोई ब्राह्मण के लिए गाय का गोश्त। यू जस्ट कांट इमेजिन, इस्लाम में लड़की से कुछ लेना इज जस्ट इक्वल टू दी वो हराम है। बल्कि मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सा मैं मिजाह निगार भी हूँ, ह्यूमर लिखता हूँ। यहाँ मर्द कौन है? हाथ उठा। एक अच्छा दो दोस्तों, हम लोग समझते हैं मर्द यानी जो औरत के ऊपर मुकम्मल दादागिरी कर सकता है, नमक तेज हुआ तो गाली दे सकता है, हाकिम, हाकिम। या दूसरा डेफिनेशन ये है मेल, MALE मेल, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन कुरान का डेफिनेशन ही अलग है, कुरान मर्द को बिल्कुल अलग अलग में डिफाइन करता है। सूरह निसा आया 34 पढ़िए कभी, अरे रिजाल, रिजाल इज द प्लूरल ऑफ रजुल, मर्द, मर्द के दो डेफिनेशन है। नंबर एक डेफिनेशन ये है कि वो औरत का मुकम्मल केयर टेकर है, मुकम्मल कंट्रोलर, महाफिस, रूल्स रेगुलेशंस मर्द बनाएगा, कंट्रोल वही करेगा। अब कंट्रोल आजकल जो हो रहा है, जैसे एक साहब ने कहा कि यार आपकी मियां बीवी की जिंदगी बड़ी खुशहाल है, क्या राज क्या है इसका? उन्होंने कहा कि देखो राज सिंपल ये है, जितने बड़े फैसले हैं मैं करता हूँ, छोटे छोटे फैसले सारी हमारी बीवी कर लेती है, बड़ी खुशहाल जिंदगी है। और उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अब बड़े फैसले मिले तो यूनाइटेड नेशंस में क्या होना चाहिए, अरबों को क्या करना चाहिए, राज्यसभा में क्या होना चाहिए, ये फैसले सारे मैं करता हूँ, और छोटे छोटे जहेज कितना लेना है, खाना कितना, ये हमारी बीवी कर लेती है। ये है कंट्रोल। कोई मर्द, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का सर्वे ये है कि 95% फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है,
और रजुल की डेफिनेशन कुरान में ये है कि वन हु कंट्रोल्स द वुमेन, फुल्ली कंट्रोल। सेकेंड डेफिनेशन उसी आयत में है, बिमा अम्फकू मिन अम्वाली, वन हु स्पेंड्स मनी ऑन द वुमेन, ही इज मर्द। मर्द वो है जो औरत के पलंग पे नहीं सोता, अपने बाप की अपनी आजादी कमाई के पलंग पे सोता है। मर्द वो है जो अपनी जाति, चाहे वो स्कूटर हो चाहे BMW हो, जाति होनी चाहिए। हमारी शॉर्ट मूवीज बहुत है, मैं कार्टून आपको देखी हूँ, शॉर्ट मूवीज में हमने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लड़की के वालिदैन, लड़की के भाई शादी के वक्त दे डिजर्व फॉर ए गिफ्ट फ्रॉम द मैन, कि उन्होंने सारी उम्र अपने खून पसीने की कमाई लगाई है उस लड़की को जो आपकी बीवी बनेगी, आपके बच्चों की, आपके नस्लों की माँ बनेगी, उसकी उन्होंने तैयार किया उसको, तुम उसको बजाय गिफ्ट देने के जुर्माना कर रहे हो। कितने बेटियाँ आपके? अच्छा, दो बेटियाँ, 20 लाख नहीं करो। आपके कितने बेटियाँ हैं? 4 लाख, 40 लाख खर्च करो। जब ये सोसाइटी इतनी करप्टेड है तो हुकूमत से ना इंसाफी का क्या शिकायत कर रहे हैं? हम कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? क्या आप हम इंसाफ अपनी बहनों से कहाँ कर रहे हैं? आप घर बेचते हैं 500 आदमी को खाना खिलाने के लिए इस खौफ से। अल्लाह का खौफ कुछ नहीं है, सेकेंडरी है अल्लाह का खौफ। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? अरे वो सेकेंडरी है भाई, लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा शिर्क और क्या है? आप 500 आदमी के लिए घर बेचते हैं, इनको दावा देते हैं इनके लिए ज़रूरी हो गया है घर बेचना, इनके लिए ज़रूरी हो गया है सूद पे पैसा लाना, इनके लिए ज़रूरी हो गया है खैरात डोनेशन चंदा, आखिरी में क्योंकि एम्प्लॉइज़ हैं, मैं गुस्ताखी माफ, करप्शन के दरवाजे खुले इसीलिए, रिश्वत। मेरे दोस्तों, मैं बात को ख़त्म करता हूँ, 10 मिनट दिए गए थे मुझे। हमारी वीडियोज़ बहुत सारी हैं, ऑडियोज़ हैं, ये एक ऐसा मसला है। इसमें अंबानी ने जो खर्च किया, आपको पता है उसने अपनी बेटी के लिए कितना खर्च किया? वो जितना भी खर्च किया, रवीश कुमार ने पूरा डिफरेंट कैलकुलेशन के साथ बताया, उसने अपनी सेविंग का 0.37% खर्च किया। और आप जो अपनी बेटी के लिए कर देते हैं, मजबूर हैं करने के लिए, मैं बहन के लिए मजबूर हूँ करने के लिए, वो 5 लाख 10 लाख जो भी है, वो मेरी आमदनी का कितना परसेंट है? 100% नहीं भाई, 4 साल खर्च लगते, खर्च लेने का 4 साल उल्टा लगते हैं। और ये है ब्लैकमेल। एक जिठानी, मेरी बहनों और से सुनो, एक जिठानी अपने बच्चे की या बेटी की शादी के लिए फर्ज करो 10 लाख खर्च करती है, तो द्योरानी भावज ननंदों वगैरह के कमरों में उनके बेटा बेटी की शादी के वक्त क्या क्या बातें होती हैं हस्बैंड से, यू कैन इमेजिन। वो कमीनी जितना खर्च करी उसे 1 लाख ज्यादा होना, तुम चोरी करो, डाका मारो, कुछ भी करो, इसको कहते हैं फितना। फितना मींस ए वायरस एपिडेमिक पैनामिक विच स्प्रेड्स। आपने अगर किया है तो आपके छोटे भाई की बीवी आपकी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब वो चोरी करे कुछ भी करे, इसको ख़त्म करने का मैं 2 मिनट लूँगा बस। क्या आप साथ देंगे? क्या ये इंजस्टिस नहीं है? जज़ाकअल्लाह। क्या ये इंजस्टिस नहीं है? हम मिनिस्टरों से कम गवर्नमेंट से बाद में देंगे जस्टिस के लिए फाइट करेंगे, लेकिन पहले अपने घर में तो जस्टिस के लिए फाइट करो। आपको मालूम है हदीस है क़यामत में, क़यामत से पहले सबसे पहले जस्टिस उठा लिया जाएगा, अदल। आखिरी में नमाज रहेगी, पढ़ते रहेंगे लोग। सऊदियों को अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में भी गाड़ी बाजू लेता है, उन्हें नमाज पढ़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट वुमेन राइट्स? जीरो। ये औरत का है। हम लोग, हम मोहतरम रेस्पेक्टेड मर्द हजरात, औरत को ये कंडीशन लगा चुके हैं कि तुम अपना खाना, अपना बिस्तर, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, सब कुछ लेकर आओगे, मैं क्या करूँगा? मैं आपके नवासे कदा की, दैट्स ऑल। औरत नहीं आ सकती। अगर जिस लड़की का वालिद जितना अफोर्ड कर सकता है उसी कैपेबिलिटी का मर्द मिलेगा, बच्ची कैरेक्टर वाली है, नमाज पढ़ती है बहुत अच्छी, वो होगी सेकेंडरी सब। आपका कैरेक्टर सेकेंडरी। आप बोलते हैं ना हम लोग खुददार हैं, कोई खुददार नहीं है, आप लोग बेगरत बन चुके हैं। क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जैसा भाई ने कहा, आवाज़ उठाओ। जहाँ कोई लड़की खुदकुशी करके मरी है वो आपकी वजह से मरी है। आप लोग 2-3 औरतें मिलकर उसकी सास को फ़ोन क्यों नहीं करें? देखिए, पुलिस वाला 100 की जगह 200 वसूल इसलिए कर रहा है, आप और मैं खड़े देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उन्हें 200 नहीं 400 वसूल करेगा। लेकिन अगर 2 आदमी चले गए कैमरा लेने के सामने से कि फोटो अभी डालता हूँ मैं, उन्हें 1 रुपया नहीं लेगा। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस। कॉन्शियंस, जमीन दो टाइप का होता है, एक होता है इंफ्रादी,
इंडिविजुअल कॉन्शियंस, एक होता है कलेक्टिव। आप घर के बाहर निकलते हैं, नाला है, गंदा नाला, मच्छर फैल रहे हैं, गंदगी फैल रही है, हर आदमी देख के गुजर रहा है बाजू से, सब आदि हो गए उसके, अपने घर के पर्दे वगैरह अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उस गंदगी को देख के कोई तैयार नहीं है कि जाके बदिया को फ़ोन करें, जाके किसी ऑफिसर को लाए, कोई नहीं, हर आदमी आदि हो गया है। ऐसे ही हम लोग बेइज्जती के साथ ऐसी दावतों में जो जाके खा रहे हैं। बेटा कितने परसेंट शादियाँ ऐसी हैं जिनमें लड़की का बाप बगैर कोई खर्च करे, बगैर कोई सरप्लस या खर्च लिए दे देता है 5 लाख 10 लाख। 95% शादियाँ बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला करती हैं। आप इसी दावत का इन्विटेशन कार्ड एक्सेप्ट क्यों करते हैं? कलेक्टिव कॉन्शियंस को जिंदा करो। दीन ने जो तरीका बताया है, जब तुम बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको, नहीं रोक सकते तो बोलो, वो भी नहीं कर सकते दीन से नफरत करो। 3 स्टेजेस। आपके पास ये रुखा आया तो आपको पहले लड़की के वाले से जो खाना ले रहे हैं 500 रुपये का, पहले ये सवाल करो कि भाई ये खाना किस अकाउंट में ले रहे थे। सॉरी, आपके चेहरे पे नागवारी गुस्सा आना चाहिए। आपका घर का तो ऐसे ही, आपको गुस्सा नहीं आता। कोई आगे देखिए, बोरा क्या है कि लड़की के भाई टोटली बैंकरप्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वही लड़की का भाई जब अपनी शादी की बारी आती है किसी दूसरे घर में जाके वही डाका मारता जो भौनोई उसके घर पे मार के गया। विशेष साइकिल, एक दूसरे के सारे कपड़े उतार रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, जब कोई इन्विटेशन कार्ड आए और उसमें लड़की के वाले से खाना हो तो अंडरस्टूड है मंगनी का खाना हुआ है, अंडरस्टूड है जहेज है, और जहेज भी कौन सा, खुशी से। हमारे सारे खुददारों की कौम है, हम लोग लेते ही नहीं जहेज, जहेज लेते ही नहीं हम लोग, ना सिख लेता ना हिंदू ना मुसलमान, कोई नहीं लेता, सब खुददार मर्द हैं। जो दे रहा है अपनी बेटी को खुशी से दो, और अगर नहीं दिए तो इसको सोशल ब्लैकमेल। ये है सोशल ब्लैकमेल। तो दोस्तों, हम लोग खुद इतने बड़े सोशल ब्लैकमेलर्स यहाँ बैठे हैं और हम शिकायत कर रहे हैं TRS से, हम शिकायत कर रहे हैं TDP से, और अगर उनसे मिलेगा भी तो कितना मिलेगा साहब, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। अरे जो 15 लाख चले जा रहे हैं जिसमें एक भाई बिजनेसमैन बन सकता, एक भाई इंडस्ट्री का मालिक बन सकता है, क्या नहीं बन सकता वो, उसको तो देख नहीं रहे आप। वो एक जोक आपने सुना होगा, हमेद कमाल वाला बोलते थे, एक आदमी के पैसे गिर गए, ढूंढ रहा था वो, तो बोले अरे कहाँ गिरे पैसे, पैसे वहाँ गिरे आप, अरे तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहा, अरे भाई वहाँ अंधेरा है या उजाला है, ढूंढ रहा हूँ। अरे आपके दीन ने आपको दिया है तरीका, तुम ये 15 लाख 20 लाख बचा लो, तुम ये हुकूमत से बाद में मांगो। तो बहरहाल मैं बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, ये इन्विटेशन कार्ड एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा हराम है। उनको एक जुमला बोलिए, माफ़ी चाहता हूँ, ये इंजस्टिस है, मेरे नबी के तरीके के ख़िलाफ़ है, मैं नहीं आता इसे। क्या ये बोल सकते हैं हम लोग? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमसे रब्ता कीजिए, हमारी वीडियोस, ऑडियोज फेसबुक पर जाइए, आपको बहुत तफसील से सारी बातें मिलेंगी। ये मसला हिंदुओं का है, ये मसला सिख का है, ये मसला हर एक का है, इस पूरे मुल्क का है। थैंक यू वेरी मच। जी कुछ सेकंड में मेरा तारीफ कराता हूँ, तारीफ नहीं तारुफ। मेरा नाम इम्तियाज अली है, आई एम अबाउट 53 ईयर्स नाउ। तो मुझे लगभग 3 साल पहले ये फीलिंग आई कि मैंने लास्ट 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने वेस्ट किया है। मैं फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज, प्रॉब्ली आई वाज 21 22, मैंने यूरोप, चाइना, दुबई, बहुत मुख्तलिफ श्रीलंका जैसे जगह ट्रैवल करके सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैंने लाइफ टाइम स्पेंड किया। आई यूज टू बी नोन एज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैंने रमज़ान में रोजे में टूर्नामेंट जीता है। तो 3 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि साइना नेहवाल ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन में आई, ये लड़की को जो है मैं LB स्टेडियम में प्रोफेशनल वे में मैं इसको ट्रेन किया था। शी वाज ऑलरेडी 7 ईयर्स ओल्ड, मैंने वॉज 27 ईयर्स। तो मुझे लगा कि भाई व्हाट है, मैं क्या कर रहा हूँ आपका। जैसे मैं कह रहा था कि 53 ईयर्स में 50 ईयर्स वेस्ट हुए, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करेंगे। माई वॉलेट, माई फादर, ही वॉज जस्ट अबाउट 45 ईयर्स मैन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और मैं उनसे ज़्यादा जी लिया जिसके थ्रू मैं दुनिया में आया। तो हमारा कोई उसका वो नहीं है, तो इस हिसाब से जब मैं अच्छा काम करूँगा सोचा, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ने
छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, कुछ और तरीके से नहीं कर रहे, कुछ ये स्पीच कुछ वो स्पीच बोल के पीछे कुछ और है सामने कुछ और है। तो मैंने 8-10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गया, थक गया। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, वन पर्टिकुलर डे आई हैपन टू बीट माई एल्डर ब्रदर माई आदि साहब। तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ये मेरे को दिखाया है कि देखो दुनिया ये भी है। तो मुझे जब लगा कि मैं सोशल वेरी सर्विस जो भी है मेरे लेवल पे मैं करूँगा, अब किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं इन्विटेशन में नहीं जाऊँगा। तो इत्तेफाक से मैं कहीं बिल्कुल खरीब में था, नॉर्मली 2-3 दिन पहले किसी को बोला गया होगा, खादिर साहब मुझे 1 घंटा पहले बोले। तो आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर हियर बिकॉज आई वॉज स्टेइंग समवेयर हियर। तो मुझे 5 मिनट, आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बेयर विथ मी, एक दो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो मुझे, मैं थक गया था लिटरली कि नहीं करेंगे, जो भी होगा छोटा मोटा करेंगे। तो ये पैंडमिक जो फर्स्ट टाइम आया था, जब लोग ज़्यादा डरे हुए थे, अब तो निकल रहे थे, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैं बोला मेरे कहने कुछ पैसे है, हमें अगर किसी को 2-3 लाख रुपए दे रहा हूँ तो वो सही लोगों तक जाएंगे नहीं जाएंगे। जैसा कि 100 करोड़ आते हैं तो मैं आपको 50 करोड़ देता हूँ, आप क्या करते, किसी को 25 देते, 25 से 12 होता, फिंगर का आप कोई मत करें, मेरा बोलने का मतलब 12 से होके एक एक को दूसरे को देते हैं, जहाँ बैठ के लाख रुपये नहीं पहुँचते। तो मैं क्या करा, बाहर निकल के स्लम एरियाज में किसी को पैकेट है, एक पैकेट के लिए मैं इधर दे रहा हूँ, पीछे से एक लेडी आके बोली बाबा मेरे को खाना दो, मेरा बेटा भी मर गया, मेरा हस्बैंड भी मर गया एक खाने के लिए। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ तो वो हिसाब से मैं जब निकला तो मुझे पहले लगा कि पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम बोल के कितना लड़ा रहे। तो मेरी मैं डिसाइड किया कि आई फर्स्ट एंटर इन टू हिंदू एरिया MBT नगर में मैं, ताकि कल कोई उंगली ना उठाए। तो मैं जाके MBT नगर में ख़ास तौर पे एक अंजनी लू बोल के लिया और एक रहीम बोल के 2-3 बच्चों को ले लेके। मेरे पैसे वाले दोस्त नहीं आए, बोले इम्तियाज भाई यू वांट 50,000 विल गिव यू बट वी कैन नॉट कम। बोला तुम आएंगे नहीं साथ तो तुमको कैसा पता चलेगा कि साइंस फंड हो रहा है। तो आई मीन टू से, तो हमने पहले हिंदू एरिया में किया, फिर जो भी मुख्तलिफ एरियाज है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, रिसेंटली जस्ट अबाउट ये लॉकडाउन होने से पहले एक आया थी, वो आया का नाम नहीं लूँगा, भारतीय विद्या भवन स्कूल में, जहाँ पे 98% बच्चे जो है नॉन मुस्लिम है, 2% मुस्लिम बच्चे जिसमें मेरा बच्चा ही पढ़ रहा है। तो मेरे बेगम बोले क्या ये आया फ़ोन करिए, उसे कुछ देना है तो प्रॉब्ली शी थॉट के 2-5 हज़ार रुपये दे देंगे। अल्लाह ने वो आया को बुलाओ, भाई अल्लाह के फल से अब मर्द बोल रहे थे, वो मर्दों में मैं शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आया कि बेटी की जो शादी थी, तो मेरे को लगा कि इसको भी जहेज के लिए तंग किया जा रहा होगा। पहले मैं बुलाया भाई कि मर्द जो बच्चों का है उनको जायज़ है, उनको चाहिए कि वलीमा खिलाओ, तुम्हारी बेटी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कन्विंस करने लगी, मैं खर्चा लेना है तो भी कर लूँगी ये। और फिर मैं बोला सिंपल शादी नहीं, वो भी शादी खाना बोलूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी की शादी खाने में हुई थी। तो उस हिसाब से मैं बोला चलो कोशिश करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, हिंदू स्कूल में पढ़ रही है वो आया तो पूरे हिंदू सपोर्ट करें, मुस्लिम में है तो मुस्लिम। तो ये मुझे लगा कि भाई ये 2% है हमारे, हाँ शायद मिलेगा, और सिर्फ इसको 2-5 हज़ार से नहीं है ये लाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या कर रहा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल अभी मैं इंशाल्लाह आपसे कर रहा हूँ कि जुवेरिया जिसकी प्रेसिडेंट है बच्ची बचाओ बेटी वो करो, तो मैंने साइना नेहवाल के लिए कुछ किया था, कुछ रिच लड़की के लिए। तो इंशाल्लाह कुछ जो हो सकता मेरे से वो काबिल समझेंगी जुवेरिया, तो मैं इंशाल्लाह सपोर्ट करूँगा। अब मैं अहम क्या बात कर रहा हूँ, मोस्टली खादरी साहब हर एक जना बोल रहे हैं, तो लोग खादरी साहब के माइंड में होंगी भी बात तो नहीं बोलते, कि हम लोग गलत समझ लेते कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे। हम ये ऐसे काम को और अच्छे स्ट्रांग वे में ले आने के, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट हियर, लेट अस प्लान सम मनी इन द माइंड, लेके एक बजट बनाए कि इसी तरफ का हमारे को कुछ प्रोग्राम बने, कुछ आगे करें। तो खादिर साहब मेरे को बढ़ा लेने के लिए नहीं बोल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी खादिर साहब का मैंने वीडियो बताया, ऐसे टाइम पे अत्तापुर में एक छोटा सा 200 स्क्वायर लैंड है, 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, हर आदमी अपनी बेटे के लिए अपने बेटे के लिए घर खरीद रहा है, 100 करोड़ है, फिर भी अपने खानदान की किसी के लिए खरीद रहा है, बीवी के लिए 4 घर खरीद रहे रहा। क्या हम ऐसा घर खरीद सकते हैं हमारे रहने के बावजूद भी, वो खायम पब्लिक के लिए, वो जगह से हम बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं।
वहाँ से सेल हो रहा तो वहाँ से कुछ अलग डिस्काउंटेड प्राइस में जा रहा, तो खादिम साहब का मैंने चेहरा दिखाया जो आदमी बेचना चाह रहे हैं, जो शख्स बोला देखिए ये प्रोग्राम है, यहाँ इरादा करा आप किसी को बोल रहे थे ना बेचने का, आई वॉन्ट टू बाई दैट, आई वॉन्ट टू गिव यू 50 lakhs वॉट आई हैव रिमेनिंग, आपके 1.5 crore जो है टाइम दीजिए, वही जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे बुला के इंशाल्लाह ताला करूँगा एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग। ये मैंने थोड़ी देर पहले उनको बोला, तो मैं आपसे हर हजरात से ये मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये थॉट लाइन कि ये सिर्फ खादरी साहब का प्रोग्राम नहीं है, हम सबका, हम इसके साथ झील लिए, हम लोग इसके साथ झील लिए, लेट इज ट्रस्ट, हम लोग पॉलिटिशियन को भरोसा कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ फॉर्म्स इंशाल्लाह लूँगा लेके, आप जो एरिया जैसा करें कि हम आई एम वेरी हैप्पी, बेहद खुशी है मेरे को खादरी साहब ने आपके करें। पहले शमशद खादरी साहब के बारे में एक शेर बोलना, खुद ही को कर बदल बदना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो शमशाद खादरी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज एजुकेशन के एक चेयरमैन हैं, मैं आपके साथ जुड़े हुआ हूँ, आपकी तमाम एक्टिविटीज में मैं कदम ब कदम चलता हूँ और मेरे भी एक्टिविटीज़ हैं, और मैं यहाँ पे जितने भी डाइस पे जो तशरीफ़ फरमाए और मेरे सामने भी है उनको दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को मुझे कुछ कहने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई। पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूंगा, उस कायनात का जिसने 3 टाइम हमको खाना खिला रहा, ऑक्सीजन दे रहा है, सांस दे रहा है, पानी पिला रहा है, पहले उस रब्बे कायनात का है मैं शुक्र अदा करूंगा। जो इस दुनिया से चले गए इस कोविड में, मैं उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह हमको मगफिरत अता फरमा और उनके बख्श दे, उनके कबीरा सगीरा गुनाह को माफ फरमा। और मैं तमाम उम्मत मुसलमान से दर्दमाना अपील करता हूँ, मैं साहब की भी एक तकरीर सुना, इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ पे शमशाद साहब जो एक दिल की कैप्टन है, जो बोलते हैं कि दिल से जो चीज करना है वो चीज क्या अपना बाहर जाती है, मेरे लैपटॉप क्या अपना, मैं 2000 पुलिस डिपार्टमेंट्स के क्या अपना यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग हो रही है सब इंस्पेक्टर्स की और कॉन्स्टेबल्स की, वो ट्रेनिंग के लिए हम बच्चों को आगे बढ़ के लास्ट 2 मरतबा प्रोजेक्ट ये एफडी खान के तरफ से हम लोगों को फैकल्टीज दिए थे मेरे कॉलेज में, क्या अपना बाबू राव वगैरह टीम और प्री सत्यनारायण डीएसपी मिलके हम लोग एक पुलिस कॉन्स्टेबल्स की और सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग दी। और मैं हैदराबाद में खास तौर पे आप अभी साहब ने वो बताया कि ऐसे 100 इंडस्ट्रीज लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ मैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे नौकरी लेना ने लोग नहीं देने वाले बनाना चाह रहा हूँ मैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट कर रहा हूँ और वर्ल्ड सिटी में कई तरीके से कामयाबी की मंजिल तय कर रहा हूँ। बच्चे जो बेरोजगार हो रहे हैं, जैसा कि मैडम भी बताएं, कई बच्चों को हम लोग, मेरा एक डिग्री कॉलेज भी है गैलेक्सी डिग्री कॉलेज, मेरे पास 350 कंपनियां हैं जो वहां पर हम बच्चे जो ग्रेजुएट है, जो इंटरमीडिएट है, जो स्किल्स नहीं है उनको स्किल्स ट्रेनिंग दे के उन लोगों को हम लोग उस 350 कंपनियों में जॉब्स हम लोग ओरिएंटेशन से जॉब्स देते हैं। और ऐसे इंडस्ट्रीज लेवल जो 100 यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इस यूनिट्स एस्टैब्लिशमेंट कैसा करना है ताकि बेरोजगारी का खात्मा करने का एक अजम उठा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने उसमें काफी कामयाबी अता फरमाए। मैं यहाँ पर शमशाद खादरी साहब के साथ ऑल इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज के जानिब से मैं ऐसे कई फलाई के काम जो हर स्कूल्स में जाके हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज का मकसद ये है कि जितनी भी परेशानी है ताकि बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, और वो स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे क्या बना पढ़ेगा, उन्हें IPS IAS ऑफिसर्स बनेगा, इंडस्ट्रियल लेवल पर बनेगा, बिजनेस लेवल पर करेगा, या डॉक्टर या इंजीनियर या अच्छा बिजनेस तादरीन बन सकता है। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस इंटर कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस में कई ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज की तरफ से हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए प्रोग्राम्स करें ताकि बच्चे जो पेंडेमिक है लॉकडाउन है जो बच्चे के पेरेंट्स 4-4, 5-5 बच्चे हैं उन लोगों के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे बच्चों के पेरेंट्स को हम हिम्मत अफजाई दिला के बच्चों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करके पूरे वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी के तकरीबन स्कूल्स में हम लोगों ने कवर किए, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए, स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम किए सेंटर्स की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, ताकि हर वो बच्चे के पेरेंट्स आगे बढ़ते रहे और कामयाबी की मंजिल तय करे, ताकि ये जो मासूम बच्चा है कल के दिन इस इंडिया का, इस मुल्क का, उस घर का, उस मोहल्ले का, उस शहर का क्या उतना उन्हें जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर हम वो जिम्मेदारी, अगर हम चले जाएंगे इस दुनिया से पैंडेमिक लॉकडाउन से, कई लोग चले गए, ऐसे कई लोग जो कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिजी नहीं पढ़ के गुजर के चले गए, हम लोग वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। जो लोग कुरान से जुड़ जाए, बुखारी से जुड़ जाए, मुस्लिम से जुड़ जाए, तिर्मिजी से जुड़ जाए, साहब सित्ता से जुड़ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अर्श से लेकर फर्श में जो कलाम भेजा है उस कलाम से हम बहुत ज्यादा महरूम है। आज जो हम डिफीट हो रहे हैं, आज उनके हुकूमतों से क्या अपना वो कर रहे हैं, हम लोग मुताला कर रहे हैं, हमारे नहीं मान रहे हैं, हम अल्लाह को राजी नहीं करें तो हमारे लिए ये डिफीट हो रहे हैं। अगर हमने अल्लाह को राजी कर लिया तो ये दुनिया की कोई मैका दाल नहीं, लाख फिरौन के जैसे हम मान दज्जालों के जैसे भी आए तो वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम उनकी वालदा ने दरिया में अपने मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में भेज दिया, वही फिरौन को पानी में डुबा के अल्लाह सुभान व तआला ने मार दिया। जो मूसा अलैहिस्सलाम छोटे दूध पीते बच्चे को एक पेटी में बनकर पानी में छोड़ दिए, अल्लाह ने वही फिरौन को पानी में डुबा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके उम्मतों को बचाया। इसी तरह से मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेके आके ने बाप को बताया, देखो ये आपके बेटे ने मर गए, उनके खून का दूसरा खून किसका लगा के बता दिए, वही कुर्ते से आंखों की बीनाए आ गई है यूसुफ अलैहिस्सलाम के। तो मेरा कहने का मकसद है, हम गाफिलों की जिंदगी नहीं चाहिए, हम टेकन नहीं चाहिए, गिवन बनते चाहिए। मैं मेरे भाइयों आप लोग, अगर आपके पास एक रुपया ही है आप दीजिए, अल्लाह सुभान व तआला एक के बदले 10 गुना आपको देगा, आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां बांटने वाले बनिए, ये आपके लिए फायदा है और बेनिफिट है। मैं ये खवातीन के लिए भी बोलूंगा, हमारे पास नर्सिंग ट्रेनिंग, हमारे पास टेलर की ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ट्रेनिंग हमारे पास होती है। हमारे पास जो ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग है, कई गवर्नमेंट्स के स्कीमात है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मेरे पास स्कीमात है। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से सिर्फ हैदराबाद ही बोल के नहीं, अल्लाह सुभान व तआला जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, आज मेरे को यूपी में, मेरे को बिहार में और आसाम के प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिले हुए, वो फील्ड में जाके मैं वहां तक जाके काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शमशाद खादरी साहब से जुड़े हुए रहिए, आपके हर वो मसाइल, जैसा कि जॉब्स का मसाइल रहो, चाहे वो एजुकेशन का मसाइल रहो, चाहे वो कुरान और हदीस का मसाइल रहो, चाहे वो जहेज के बारे में जो मसाइल हो, वो हर वो मसाइल हल कर सकते हैं अगर हमारे पास यूनाइटेड हम रहेंगे, हम मिलेंगे, हम हमारे कैप्टन उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे गवाह करेंगे, हमारी कामयाबी हमारे पैर चूमेगी, जरूर चूमेगी। क्यों नहीं चूम रही है? हम कुरान और हदीस से गाफिल है मेरे भाई और बहनों। अगर हम कुरान और हदीस से हम अगर जुड़े हुए रहेंगे, फतेह नुसरत कामयाबी लिखी हुई है मुकद्दर में, हमको कोई क्या अपना माइकल लाल दुनिया से हमारा निवाला खींच के नहीं ले जा सकता, जबकि हमारा निवाला हमारे मुकद्दर में लिख गया, हमारी सांस लिख चुकी है, हमारा एक एक दाना लिख चुका है, एक एक पानी का घोट लिख चुका है, कोई हमारा छीन नहीं सकता। हमारी गलत फहमी है कि हमारे लिए नॉन मुस्लिम दूसरे जने दुश्मन है, कोई नहीं है। अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखो, अल्लाह पर भरोसा करो, आपको आपकी हकीकत में जो चीज मिलना है वो मिल के रहेगी, और अल्लाह ताला कोई चीज कम होने से पहले आपको दुनिया से भी नहीं उठाएगा। आपको कोई चीज, आपका एक निवाला लुकमा था, अगर आपकी एक सांस बाकी थी, अगर आपका एक घूंट पानी का बाकी था, तो अल्लाह सुभान व तआला आपको मौत नहीं देगा। तो मेरे भाई साहब की मैं एक तस्वीर सुना, मैं भी ये बोलता हूँ कि शादी ब्याह में जो हजारों लाखों रुपए जो खर्चा कर रहे हैं, मैं उसमें भी खास तौर पे अपील करता हूँ, कर्जे लेके, सूद लेके अगर ये शादियां कर रहे हैं, ये शादियों को अगर हमने नहीं मिटाया तो कौन मिटाएगा? नरेंद्र मोदी आके आज तीन तलाकों के ऊपर उन्हें फैसला कर रहा, अगर यही फैसला शादी ब्याहों के बारे में हमारा नरेंद्र मोदी जी अगर फैसले करना रहा, तो जब अकल आएगी,
जब उठेंगे, जब हमारे कान के अकल के गटकने जब खुलेंगे, हम उठ के अब ठहरेंगे नहीं। हर शादी के बिहारों में एक टीम जाओ, एक 25 टीम, एक 10 जनों की टीम जाओ। क्या भाई ये आप अपने जायज पैसों से कर रहे हैं या सूद के पैसे? कई को दिखावा भाई, कौन सी दुनिया के लिए दिखावा? इसको मिटाने के लिए आपके साथ जुड़ जाइए, यही हमारे लिए कामयाबी है। जैसा कि बताया आप कि एक भाई एक बहन की शादी में अपना क्या इतना 20,000 रुपये 10 लाख रुपये अगर लगा के खर्च करके अपनी बहन की शादी कर रहा, उन्हें रोड पे आ जा रहा, उसका वालिद रोड पे आ जा रहा, इसको मिटाने की जरूरत है। अगर वही 10 लाख, अगर वही 5 लाख, अगर वही 2 लाख अगर है, तो मैं उनको इंडस्ट्रीज लेवल्स पे लेके जाने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों को ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज जो 2 लाख से लेकर 50 लाख तक उन्हों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेवल पे उन्हों काम कर सकते हैं, उन्हों कामयाबी में हासिल कर सकते हैं और उन्हों दूसरों को जॉब दे सकते हैं। वैसे मेरे भाई ने और मेरे भाई कम पैसे भी रहो, आप लोग अगर जुड़े हुए रहेंगे शमशाद खादरी साहब से, मैं उनके प्लेटफॉर्म से ये तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ये क्या अपना इंडस्ट्रीज लेवल पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। और केजी से लेकर पीजी तक जो आपको एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे कई मेडिकल, कई टेक्निकल्स, कई प्रोफेशनल्स, ऐसे कोर्स है जो वो कोर्स करते हैं साथ ही 110% उन लोगों को जॉब्स रिक्वायरमेंट से, वैसे कोर्स को प्रेफरेंस दिलाइए। अक्सर बच्चे 10th पास हो जाते हैं, सीईसी एमपीसी बाईपीसी ये ग्रुपों में जाके बच्चे अपना वक्त खराब करते हैं। कौन मेरे को बताइए बाईपीसी 2 ईयर्स करने के बाद में कौन गवर्नमेंट जॉब दे रही? फिर बाईपीसी करने के बाद में उन लोग एम्स रखते हैं, डॉक्टर्स की लालच, बाद जगह डॉक्टर कॉलेजेस एक लालच दे देते हैं एमबीबीएस के लिए, उसके लिए बच्चे वो चीज़ अचीव नहीं करते हैं। फिर बीजेडसी में आ जाते हैं, तो वो बीजेडसी से करने के बाद में उन लोगों को भी जॉब नहीं मिलता। 10+2, 2+3 अगर करने के बाद में जॉब नहीं मिलता, तो वैसे जनों को स्किल्स प्रॉपर नहीं रहने की वजह से, कैरियर गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहने की वजह से उन लोग डिफीट कर रहे हैं, तो उसलिए बेरोजगारी का लेवल बढ़ते जा रहा है। वो बेरोजगारी का लेवल को खत्म करना है, आपको उठ के खड़े रहना है। आप क्या खड़े रहेंगे बेरोजगारी के लेवल को खत्म करेंगे तो आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बेहतरी रहेगा, मैं कौम के लिए बेहतरी रहेगा। चाहे वो कौन से भी कम्युनिटी का रहें, दो अपने को ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गैर मुसलमान मस्जिद नबवी में पेशाब कर रहा था उसको रोक दिया, लोग तलवार साहब या तलवार निकाले, नहीं, उन्हें मस्जिद नबवी मिंबर के पास आके अगर पेशाब कर रहा है मस्जिद नबवी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते हैं उसको, पूरा पेशाब मुकम्मल करने दो। अगर उसके पास सफर के लिए इंतजाम नहीं है तो उसका सफर का हमारे नबी ने यह तालीम दी। हम लोग सिर्फ एक दूसरों के क्या बोले थे ना, काटने मिटने में उनको डुबाओ, उनको बढ़ाओ, उनके पैसे कैसे हड़प करो, इनकी दुनिया की चीज़ें कैसे लो, इसमें लग जाएंगे तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे, कहाँ हमारी फतेह होंगी, कहाँ हमारे लिए फतेह की कामयाबी हमारे पैर कदम कब चूमेगी? ये हमारे को जायजा लेना चाहिए, हमारे जहनों में फिक्र होनी चाहिए। अब खास तौर पे कुरान और हदीस से जुड़ना चाहिए, यही हमारा तकाजा है। इससे हम गफलत है, हमको जॉब्स नहीं मिल रहे, हमको पढ़ाई नहीं मिल रही, हमको हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, उससे गाफिल रहने की वजह से। इससे भी आप लोग जुड़े हुए रहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं दिल की गहराइयों से यही साहब का और शमशाद साहब का और तमाम यहाँ पे जो जितने भी साथियाँ उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुल्लाह खैर। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब शमशाद खादरी साहब, अमरजीत सिंह साहब और रणवीर सिंह साहब, अलीम फल्की साहब, प्रोफेसर अलीम साहब, उसामुद्दीन साहब और प्रवीण पांड्या साहब जो जैन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इस जलसे के कन्वीनर जनाब नईम सूफी साहब, मोजिस ख़वातीन हज़रात और मेरे प्रेस और मीडिया के साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर, इनफैक्ट सही नाम उसका जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन है। आज 10 साल से माइनॉरिटीज की खिदमत में अपने नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहा है। मुझे एक मौका मिला था जिसमें माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने 10 साल मुकम्मल किए थे और एक जलसा मुनक़िद किया था। ये
बेसिकली आपको मैं माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये बता दूं कि ये जो एसोसिएशन है बेसिकली ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ की जो अब इस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और बेसिकली माइनॉरिटी एसोसिएशन का ये जो डिमांड है वो ये है कि हुकूमतें अपना किरदार पूरी तरह से निभाएं, वो चाहे रियासती हुकूमत हो या फिर मरकजी हुकूमत हो। बेसिकली ये इन लोगों का काम है। और मैं जनाब शमशाद खादरी साहब को और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन को एक ज़माने से जानता हूँ। आपने अपने इस्तकबालिया खिताब में आपने बहुत ही तफसील से शमशाद खादरी साहब ने रोशनी डाली कि किस तरह से हुकूमतें सिर्फ वादे करके अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो रही हैं और कैसे वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे पहलू तही कर रही है, इस चीज़ को उन्होंने उजागर किया। और एक इत्तेफाक ये भी रहा कि मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। आपने यहाँ देखा होगा मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से मेरा ताल्लुक़ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 37 साल से ज़ायद काम करके फिर मैं जब रिटायर हुआ उससे पहले तकरीबन 1 साल मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। ऑल इंडिया सर्विस के जो अहदेदार हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी आप काम कर सकें। तो हुआ यूँ कि मेरे साथ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर और जंगलात से मेरा ताल्लुक था। उनकी भलाई और बहबूद के लिए मेरी जो मेहनतें थीं वो सब होती रहीं, लेकिन अल्लाह ताला का जो फैसला था वो मेरी सर्विस के आखिरी 1 साल में मुझे ह्यूमन वेलफेयर मतलब माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे जिसका मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ्रॉम फॉरेस्ट्री वेलफेयर टू ह्यूमन वेलफेयर मेरे लिए एक तब्दीली थी। खैर वो दैट वॉज इन द ईयर 2012। और पांड्या सर उसी वक्त जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया गया था, दैट वॉज द टाइम। अदरवाइज माइनॉरिटी का जो डेफिनेशन था उसमें सिर्फ 5 कम्युनिटीज आती हैं, मुस्लिम क्रिश्चियंस सिक्स जैन्स एंड बुद्धिस्ट। जैन्स नहीं, पारसीज, और जैन्स को 2010 में इंक्लूड किया गया था। तो एक बेगम बाजार में एक वेलफेयर एक अवेयरनेस प्रोग्राम मैं किया था उसको, जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैं वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर था। आप लोगों को एक ये ब्रोशर भी सबके पास को तकसीम किया गया है, इसमें 5 एजेंडा आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं। वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का डिमांड है और इस एसोसिएशन की एक कोशिश है कि इस पर अमलावरी हो और इसको यकीनी बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि जब आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया तो आपने ये 5वां पॉइंट उसमें ऐड कर दिया कि फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशंस लाइक चेयरमैन वगैरह का। तो खादरी साहब लगे हुए हैं, वैसे कोशिश ये है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो करे और माइनॉरिटीज़ की जो अकलियतों की जो अब इस वक्त हालत है उसमें बेहतरी पैदा हो और सुधार पैदा हो। उसी के तहत आपने 5वां पॉइंट इंक्लूड किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा ये ब्रोशर आप सबको दिया हुआ है, अगर आपने देखा होगा पढ़ा होगा तो उसमें 5वां पॉइंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो आज हालत है भी उसके बारे में 5वां पॉइंट लिखा गया है कि उसके जो जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको फिलअप किया जाए। मैं आपको बता दूं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर बात आती है तो इंडिया का प्रोग्राम है ये पड़ो परदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम कुछ बेनिफिशरीज को फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन उसमें जो कंडीशंस लगाए गए हैं जिनको आपको फुलफिल करना है तो
तो उनको आपको फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल मसला है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक टू व्हीलर है या आपके पास घर में फ्रिज है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है कि अगर आप टू व्हीलर पर घूमते हैं तो मतलब ये कि आप यू आर नॉट एलिजिबल, आप अच्छी हालत अच्छी फाइनेंशियल हालत में हैं तो आपको क्यों ज़रूरत है ऐसी स्कीम्स। तो इस तरह के कंडीशंस होने की वजह से इसके फ़ायदे हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस तरह की काफ़ी स्कीमात हैं। मैं प्रेस के ज़रिए और व्हाट्सएप अपने जो ग्रुप में मैसेजेस आते रहते हैं उसके ज़रिए मुझे इत्तला मिलती रहती है कि खादी साहब माइनॉरिटी वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर के पास अपनी एक याददाश्त लेके पहुँचे हैं और उनकी जो है तवज्जो इस तरफ राबित करना चाह रहे हैं कि भाई ये सारी स्कीमात आप इम्प्लीमेंट करिए। वो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो या व्हाटएवर हूएवर, वो अपनी कोशिश लगी हुई है। अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह खादी साहब की सारी कोशिशों को कामयाबी से कामयाब करे और वो कामयाब हों और वो सारी स्कीमात हमारे पास आएँ। लेकिन गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो इनकी जो कंडीशंस हैं जिससे बेनिफिशियरी इससे फ़ायदा उठा सकता है उसमें कुछ आसानी पैदा हो। अभी ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हाल है, मैंने कहा आपसे बताया कि पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहले कायम हुआ, बाद में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट का मतलब ये कि सेक्रेटरीट में एक सेक्रेटरी और एक मिनिस्टर एक कलमदान पैदा किया जाए, तो वो बाद में हुआ, पहले फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी। और तब तक का माइनॉरिटी वेलफेयर का जो काम था वो एंडोमेंट डिपार्टमेंट के तहत में हो रहा था या यूथ सर्विसेज के अंदर में था। और फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी तो अब इस वक्त हाल ये है कि उसमें 75% तक लोग रिटायर हो चुके हैं और उसमें सिर्फ 25% लोग काम कर रहे हैं। और इसी की वजह से सारी जो वेलफेयर स्कीम आते हैं, ख़ास तौर से वो 50,000 वाली जो स्कीम है, 50,000 रुपीज़ शमशाद खादरी साहब का पहला जो एजेंडा पॉइंट है, सैंक्शन ऑफ 50,000 एज माइक्रो लोन टू स्मॉल बिजनेसेस टू द यूथ। तो एक्चुअली खादरी साहब भी वाकिफ़ हैं, एक ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर है, इस जियो है, जिसके तहत 50,000 रुपीज़ जिसके तहत 50,000 रुपीज़ आउटराइट किसी को भी सैंक्शन किए जा सकते हैं। और वैसे जो शमशाद खादरी साहब तकरीबन हर चीज़ को कवर किए हैं तो उनके इस्तकबालिया जुमले खिताब में से मैं लेके बोल रहा हूँ आपको कि 2015 में 1,00,000 से 10,00,000 तक के कर्ज़ात के लिए एप्लीकेशन आए थे, 1,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन चलिए 1,59,903 एप्लीकेशन आए और उसमें से शायद 10,000 एप्लीकेशन की एक्सुई हुई, उसके बाद के वो मामला पेंडिंग ही है। 2015 से जो एप्लीकेशन हैं, क्या आप समझते हैं कि वो 2021 में भी वैलिड रहेंगे? नॉट पॉसिबल। हो सकता है उसमें कई लोगों के फ़ोन नंबर्स बदल गए हैं, कई लोग यहाँ से जा चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, एड्रेसेस बदल गए हैं, लेकिन फिर भी एक सुई उसकी हुई नहीं है। शमशाद खादरी साहब की माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की कोशिश है कि हुकूमत फिर इसकी तरफ तवज्जो करे और एटलीस्ट अभी जो या फिर एक नए सिरे से एप्लीकेशन मंगाए जाएँ और फिर उसके ऊपर अमल आवरी हो। लेकिन ये भी याद रख के चलना पड़ेगा हमको कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो बजट है अब 1,20,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है और हमारा जो इसमें जो डिमांड है पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के मुताबिक स्कीम सैंक्शन की जाए। जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन 14% है तो उसका 14% अलॉट किया जाए, जो समथिंग लाइक 18,000 करोड़ रुपीज़ बन रहा है। अब आपने आपने देख भी लिया कि 2,500 करोड़ का क्या हाल हुआ जो गुज़िश्ता साल सैंक्शन हुए थे। अगर आपको आपके इस डिमांड पे पॉपुलेशन के बेसिस पे सैंक्शन की जाए स्कीम और 18,000 करोड़ रुपीज़ का अगर सैंक्शन भी आता है और आता नहीं है, आपको बजट रिलीज़ नहीं होता और स्पेंड नहीं होता, आपके पास स्पेंड करने के लिए अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो फिर शायद
ये डिमांड हमारी उतनी कारगर नहीं होगी, बल्कि उसको थोड़ा हम रिवाइज करके जो बजट आ रहा है, चलिए 2500 करोड़, नेक्स्ट ईयर उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, तो उसको इम्प्लीमेंट कराएं, उसको पूरी तरह से रिलीज़ कराएं, या एटलीस्ट जो 50% रिलीज़ होता था उसको 70% तक रिलीज़ कराएं, और अगर रिलीज़ हो रहा है तो फिर उसको पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट कराएं, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो खाली जायदादें हैं उनको भर्ती करें और उसको पूरी तरह से कारगर बनाएं, अदरवाइज तो फिर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी वही है। डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर भी एक फाइन हुआ है, और पहले उसका नाम कमिश्नरेट हुआ करता था, मैं पहला उसका कमिश्नर भी मैं इंतफाक से था, वो 2013 की बात है, तो कमिश्नरेट बना और उसके बाद उसको डायरेक्टरेट में तब्दील कर दिया गया, अभी एक आईपीएस ऑफिसर सीनियर लेवल के उसके डायरेक्टर हैं और काम चल रहा है। उसमें बेसिकली शादी मुबारक और फिर सीएम्स ओवरसीज स्कॉलरशिप और दूसरे स्कॉलरशिप्स जो हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन फिर से बजट की कमी और पूरा बजट रिलीज नहीं होना, और अगर हो रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, ये चीज़ों पे हमारी भी तवज्जो होनी चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूँगा सारे मेहमानों से, मौजूद मेहमानों से, कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन में ज्वाइन करें, इसको स्ट्रेंथन करें, और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के जो तरीके हैं उसमें और ज़्यादा फोर्स पैदा करें और अपनी जो मकसद तक कामयाब हो जाएं। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से अभी जो पैंडमिक का जो प्रॉब्लम चलता रहा, 5 में उसको इस्टेब्लिश किया गया, तब तक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी वजूद नहीं था, आप लोग शायद सुनने रहे हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बाद में क्रिएट हुआ, उससे पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वजूद में आ चुकी थी, 1995 वाज द ईयर, और फिर अकलियती बहबूद के जितने काम थे वो सारे के सारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को तफीस किए गए, जैसे लोन्स देना, कोई छोटे मोटे बिजनेस का के लिए मुस्तफ फैमिलीज की असिस्टेंस करना, और फिर जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, और फिर प्रोफेशनल कोर्सेस, स्कॉलरशिप्स के साथ साथ फी रीइंबर्समेंट का प्रोग्राम, और फिर मुझे याद है उसमें मास मैरिजेस भी एक पॉइंट हुआ करता था, मैरिजेस सिख कम्युनिटीज़ में मैरिजेस हुआ करती थी, मुझे याद है 2013 में एक 25 मैरिजेस के लिए आपको फंड दिया जाना था, उसके लिए हम लोगों ने चेक आपके पास रात को कभी आधी रात को पहुंचाया था कि दूसरे दिन आप लोगों के पास शादियों का प्रोग्राम था। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां थी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन किया करती थी, और 2012 में मुझे उसका एक मौका मिला था कि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करूँ, वो दैट वॉज इन 2012, मैं रिटायर हुआ 2013। फिर उसके बाद 2018 में फिर एक बार मुझे हुकूमत ने मौका दिया एज ए रिटायर्ड ऑफिसर, फिर मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए बुलाया गया, और मैं वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की खिदमत मैंने अंजाम दी उसको। मैं देखता था कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और उसके सदर जनाब शमशाद खादरी साहब ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर अमल आवरी सही तरीके से हो, उसके लिए वो बार बार हमारे पास हमारी ऑफिस को आते और हमारी उस तरफ तवज्जो मबजूल करवाते, और ये कोशिश होती है कि इसके ऊपर पूरे का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि हुकूमत की जो ऐलानात हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, आपको याद होगा 2000 करोड़ का ऐलान हुआ था, 2500 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ था माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन अब एक चीज़ जो हमको समझ में आती है, मैं खुद गवर्नमेंट में काम करके रिटायर हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि ये 2500 कभी भी किसी भी साल पूरे के पूरे मार्च के महीने तक रिलीज़ नहीं होते,
उसमें से एक हिस्सा 600 करोड़ का, जी हाँ, हम समझते थे कि 50% रिलीज होता है और उसमें से 50% खर्च होता है, तो अल्टीमेटली 25% ही आप समझ लीजिए जो रियली इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अब इसमें ICIC स्कीम भी हैं जिसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जिसमें जो लड़के ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे ममालिक को जाना चाहते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उनके लिए हुकूमत 20 लाख रुपए की मदद करती है चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर। और फिर इसकी जो पहली किस्त पहले साल में मिलती है, दूसरी किस्त दूसरे साल में, इस तरह से 10-10 लाख के दो अवसर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी मतलब हर साल भी यही देखने को मिला के पूरे पैसे रिलीज होते हैं, और अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे अपना पहला साल मुकम्मल किए लेकिन दूसरे साल के लिए पैसे नहीं गए। लेकिन जो कोशिश है ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की वो काबिल सताइश है, वो हमेशा हुकूमत पर एक अपना दबाव बनाए रखना चाहती है और उनकी तवज्जो उस तरफ राबित कराना चाहती है कि ये सारी स्कीमात आपको मुकम्मल करनी है, लेकिन उस पर डिपेंड करेगा कि वो बजट आपके लिए रिलीज़ होता है या नहीं। हमारे वसीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं एक हम लोगों ने मिल के एक फोरम हम लोगों ने बनाया था मोड के नाम से, माइनॉरिटी एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो ये कि हुकूमत पे इतना दबाव डाला जाए कि वो पूरे के पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगी और हमको मतलब सारी माइनॉरिटीज़ को जो हुकूमत वादी करती है वो उसके ऊपर अमल करेगी। अभी यहाँ पे शमशाद खादरी साहब ने कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उसका भी जिक्र किया है, नई रोशनी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ो परदेश, और भी दूसरी स्कीमें हैं तो उनका इसके अंदर यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने इन स्कीम के नाम सुने हैं और इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पढ़ो परदेश के बेनिफिशरीज कितने हैं, या आप किसी को जानते हैं जो जिसका बेनिफिट इन स्कीम्स का मिला है, तो जवाब आपका नेगेटिव में ही रहेगा, नफी में रहेगा। कि पहले तो ये होगा कि शायद ये नाम भी नए हैं हमारे लिए, और फिर अगर नाम हम लोगों ने किसी गलती से सुन भी लिया है कहीं किसी सोशल मीडिया में तो उसके बेनिफिशियरी नहीं मिलेंगे अपने मीडिया से। हाँ जी, अपने जरिए इसके जाहिर कोई जाहिर है, ये शमशाद खादरी साहब ही हैं जो इसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में भी खादरी साहब के साथ कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया है और कोशिश की है कि हम आपको आप तक ये पहुँचाएँ। लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए सख्त इसके जो कवानीन हैं जो कंडीशंस रखे हुए हैं उसको उनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। जैसे पड़ो परदेश, ये दिस इज इक्वल टू दी चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप। हम किया लोग हैं उनसे मदद हासिल करते हुए उन्होंने इसको अंजाम दिया और मैं समझता हूँ कोई 1000-2000 तक फैमिलीज़ को उन्होंने रेशन किट्स पहुँचाए जो काबिल तारीफ बात है। और इस तरह की जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानब से जनाब शमशाद खादरी साहब की सदारत में, इसको हम लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शरीक हों और फिर इसको स्ट्रेंथन करें, मुस्तहकम बनाएँ, और ताकि शमशाद खादरी साहब और माइनॉरिटी एसोसिएशन अपने मकसद तक पहुंच पाए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ।
मैं सैयद शमशाद कादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, तमाम हुकूमतों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ। जैसा कि आज हमारा ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है कई करारदादें मंजूर की गई, जिसमें खसूसी तौर पर बेरोज़गार नौजवानों को 50,000 का लोन देना, पूरे वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है शुरू करना, उसके साथ साथ जो है खर्दाजात का जो इजमा करने का जो मामला है वो नए लाइफ में पड़ा हुआ है, उसको फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब इसको गौर करते हुए उसको जो है तमाम खर्दाजात को अगर जारी करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग जारी करेंगे। और खसूसी तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि जो आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो हाल है, एक यतीम खाना से बदतर हो चुका है, कोई वहाँ पर काम करने वाला नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज वहाँ नहीं चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रीवियस में लोन सेंक्शन किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग किए गए, और इसमें खसूसी तौर पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शादी मुबारक स्कीम जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में जो काम कर रही थी, उसकी जो है वेरिफिकेशन के लिए इसको एमआरओ और एमडीओ के अंडर में जो दिया गया, उससे तमाम को बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ा है, और उसमें दरमियानी अफराद जो है की वजह से इनके हाथों में सही तरीके से जो है जो रकम जाना चाहिए वो नहीं जा रही है। गरीब माँ बाप जो 1,116,000 में शादी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मगर वो सही अमाउंट उनके हाथ में नहीं पहुँच रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से खसूसी तौर पर इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रीवियस में जिस तरीके से आप शादी मुबारक की स्कीम के जो है वेरीफिकेशन वगैरह जिस तरीके से करते थे, उसको फिर से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को देके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गरीब आवाम को पहुँचे, ताकि आपकी भी हुकूमत की भी नेकनामी हो और गरीब आवाम को भी इसका फ़ायदा हो। उसी के साथ साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात का भी मुतालबा करना चाहूँगा कि कम से कम 2,500 करोड़ का जो बजट लास्ट ईयर आपने सेंक्शन किया था, फिर कम से कम आप इस बात पर गौर करते हुए 2,500 करोड़ का बजट सेंक्शन करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल तक 2,500 का बजट 100% खर्च हो, और जो तमाम स्कीम का अनाउंसमेंट किया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि वाकई चंद्रशेखर राव साहब माइनॉरिटी के फेवर में है, हुजूर निज़ाम के चाहने वाले हैं, हुजूर निज़ाम के तर्ज हुकूमत चलाने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए चंद्रशेखर राव साहब से फिर एक बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने कारपोरेशन है, जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन है या माइनॉरिटी कमीशन जिसके चेयरमैन जनाब समरुद्दीन साहब थे, उन्होंने भी जो है बड़े अच्छे काम अंजाम दिए, 1400 से ज़्यादा केसेस उन्होंने किए। तो अभी हम जितने लोग अब इसके लिए जो आगे बढ़ के जो है अपने एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन में हो या माइनॉरिटी कमीशन में हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जल्द से जल्द जितने कमीशन खाली हैं, माइनॉरिटी कमीशन हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन हो, या जितने भी मखलूआ जायदादें हैं इन तमाम डिपार्टमेंट में, उसको आप फौरी तौर पर पूर्ण करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप एक जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आपको आवाम की, माइनॉरिटी की, मुसलमानों की सही खिदमत करने का जज्बा है, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इस साल 2,500 करोड़ का बजट लास्ट ईयर आपने जो रिलीज़ किया था, इस साल भी रिलीज़ कीजिए, और वह बजट को 100% तरीके से खर्च करते हुए तमाम माइनॉरिटीज़ जो नए तरीके से परेशान हैं उसको जो है हल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से एक ख़ास बात भी ये कहना चाहूँगा कि जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, आप उसके ऊपर सिविल सप्लाई से राशन शॉप पर जो सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा है, जो लोग परेशान हाल हो रहे हैं, और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है राशन कार्ड का है। राशन कार्ड की इतनी एप्लीकेशन है, उसकी एक्सयू ने भी फिर उसको रोक दिया गया है, साइट सही तरह से काम नहीं कर रही है। जब आप वाकई गरीबों की मदद करना चाहते हैं, सलम एरिया में रहने की मदद करना चाहते हैं, झक्की जोड़ी में रहने वालों की मदद करना चाहते हैं, गरीब खवातीन की मदद करना चाहते हैं, तो एक वक्त की रोटी के लिए जो है अपने तड़प रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसे इंतजाम कीजिए कि ताकि वो लोग दो वक्त की रोटी खा के महंगाई पे काबू पाने के बाद अपनी सही तरह से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना होगा ये कि कोविड से जितने अम्बात हुए, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इसके ऊपर केयर नहीं करेंगे, इसके ऊपर केयर टेक नहीं करेंगे, तो कोविड से ज़्यादा अम्बात जो है फाका खशी से होने वाले हैं। तो चंद्रशेखर राव साहब के भी एक अलार्म है, एक वार्निंग है कि अब भी समझ जाइए तीसरी रेल भी आने वाली है, तो आने से पहले उसके भी इंतजाम कीजिए, कोविड वैक्सीन के इंतजाम कीजिए, महंगाई पर काबू पाने के इंतजाम कीजिए, और खसूसी तौर पर जो गरीब आवाम राशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं, वो राशन कार्ड के लिए खसूसी तौर पर तवज्जो देते हुए सिविल सप्लाईज़ के तमाम अहदेदारों को ये बात कही है कि जितने
भी एप्लीकेशन आ रहे हैं और जितने एप्लीकेशन आने वाले हैं उन तमाम एप्लीकेशनों की अचीव करते हुए आप एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने का सबूत देंगे।